हमने के फेसबुक पागल बनिया। प्रणाम अजय भोजपुरी। जैसे कि पहले सूचना दिखल गई लटे, आज हमने के बात करे जा रहा बनी जा भोजपुरी के शीर्ष पुरुष। अगर कहीं तो बहुत ज्यादा हम चूंकि साहित्यकार ना ही तो भाषाई रूप से हम बहुत ज्यादा शब्द ना दे सके नहीं, बाकी हम अपना जरूर बता सके नहीं कि भोजपुरी में भोजपुरी भाषा खातिर यदि काम करे वाला अगर 5 लोगन के नाम लियाई तो ओ में गणेश चौबे जी के नाम जरूर लिखल जाए। आज वहाँ के जन्मतिथि है, जयंती हटे 5 दिसंबर 1912 के वहाँ के जन्म हुए है। हम वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा हम ना बताई। हमारा संगे बानी ब्रजभूषण चा जी आ संतोष भाई बानी। संतोष भाई दिल्ली से बानी, ब्रजभूषण चा जी बिहार में बानी इस समय मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर है जी भोजपुरी में। प्रदूषण चाची राउत वीडियो आवत नहीं खे वीडियो नहीं थी आवाज देखा ना था वीडियो नहीं। क्या आवत एक सेकंड, वीडियो नहीं थी तो वीडियो कराने थे। 1 मिनट लाइन पर रहे ठीक है बात ना तो कोई दिक्कत नहीं वीडियो नहीं आ रहा है मेरा देखे तो। खे। तो आज नहीं आ हमनी के रहा बात करे जा रहा बनी गया पंडित गणेश चौबे जी आ को। रहा आयल वीडियो अभी नहीं क्या आई अभियो नहीं खाई चाहिए तो का उन्हें से बहुत सकेला रघुआ। नेटवर्क के दिक्कत देखिए हमारा तो फोटो मिल रहा है रघुआ पर। जी। हमार फोटो मिल रहा है। हमारा संतोषे के फोटो नहीं के मिलल। अच्छा ठीक बा हमनी के बात चालू रखल जाओ। देखी म्यूट हो गई बटे अनम्यूट करी। हाँ बात चालू हाँ रखल जाओ। आई देखी तो अभी आई आवाज नहीं आवाज क्या है। हाँ फोटो नहीं क्या आवाज हमरा एकदम बढ़िया लेकिन फोटो नहीं क्या आवाज। में तो कहता स्टॉप वीडियो। हमार तो वीडियो ऑन बा। स्टाफ को के फिर से ऑन करी ना ओकरा स्टार्ट फिर चालू करी के स्टाफ वीडियो के को के फिर ऑन करी तो देखते वही निमन ऑपरेटर रखल करी। अरे से। भोजपुरिया लोग ग्लोबलाइज्ड हो गई बा। ऑपरेटर रोग ठीक रखी चाचा जी। काफी लोग जुड़ गए बटे हमने के क्षमा चाहब जा तनी तकनीकी व्यवस्था के तब तक नेट। बातचीत होत रहे नवीन जी हम रउआ से कह हाँ विचार के शुरू करल जाओ। चाचा जी राउर आवाज आवत अटे तो बतकही के हम शुरुआत दे तनी ठीक नू। हमार लागत नेटवर्क तनी कुछ कमजोर बटे वजह से ऐसा होत अटे। वहां के अब आवाजों नहीं किया आवत कनेक्ट होता नहीं वहां के बुझाता जी। हो गए नहीं। अब हाँ अच्छा ठीक बा हाँ तब ठीक। संतोष भाई हम अब बात अब हमार हो गई इतना देर तक बतिया लेनी। अब शुरुआत रउआ से करी। पहले तो हम सबसे पहले ये चाहब कि परिचय दिहल जाओ कि पंडित गणेश शुभ जी। अब हम पहले ये लोग हमारा संगे जुड़ल बटे सब लोग संतोष भाई के भी बहुत बढ़िया से जानते थे। चाचा जी के ब्रजभूषण चाचा जी के भी बहुत बढ़िया से जानते थे। तो हम रउआ सबके बारे में परिचय ना देके हम सीधे संतोष भाई के यहाँ चलब। वहां से कहब गणेश चुबे जी के बारे में शुरुआती दौर के वहां के बारे में संक्षेप में तनी जानकारी दी। आखिर केकरा पर बात करे जा रहा बनी जा वहां के का रहनी शुरुआती जानकारी। बाद में हमने के धीरे धीरे बात कही जी आगे आगे और भी बात कही चली फिर चाचा जी के यहाँ भी जाई जी बात हुई जी। जी नवीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आखिर वर्चुअल महोत्सव के हम शुभकामना देता नहीं, और ये हमारे खुश एकरा के कहीं कि हमारे बहुत हमरा ला खुशी के बात बा। फिजिकली जब प्रोग्राम होकर उम्मीद तो ना आ सकनी, लेकिन आज वर्चुअल महोत्सव में हमारा रोवा लोग शामिल करनी, एकरा ला हम पूरा आकर टीम के भी हृदय के गहराई से धन्यवाद देता नहीं। और आगे जब भी कोरोना काल खत्म हुई, ये पेंडेमिक के जब भी समाप्ति हुई, तो हम के मिलजुल के बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे जी तरह आगे बढ़ल जाए। जी बहरहाल हम आखिर परिवार के तमाम दोस्त के मित्र लोगन के हम अभिवादन करते नहीं, और अभिवादन के साथ आवाज आवो था हमार हाँ हाँ एकदम आ रहा बढ़िया बात। और अभिवादन।
भोजपुरी के एक महान संरक्षक, भोजपुरी के महान संग्राहक, भोजपुरी भाषा के साहित्य कोश के एक तरह से कहा जाए जनक, और से जोड़ दीजिए अगर भोजपुरी भाषा और साहित्य के वैशिष्ट के अगर कोई रेखांकित करे वाला और भोजपुरी साहित्य के लुप्त पोथियन के खोज के हमी के सोझा लेके आए वाला व्यक्ति के नाम है पंडित गणेश चौबे। आदरणीय ब्रजभूषण मिश्राचार्य जी, भोजपुरी के महान आलोचक और साहित्यकार बानी, यहाँ के सानिध्य में हमी के पलवित पुष्पित भैल बानी सन, और भाई नवीन भोजपुरिया जी रोवा साथे हमी के भोजपुरी के साहित्यिक आंदोलन से लेके आज जंतर मंतर के तमाम आंदोलन में शामिल रहे। हम गणेश चौबे जी के जीवन पे प्रकाश डाले के पहले दो तीन बात के बताएं, ताकि ये पृष्ठभूमि से हमी के गणेश चौबे जी के पूरा चीज के समझे के मौका मिले कि वो आदमी एक इतना वर्सटाइल जीनियस, मैंने कहा जला कि बहुमुखी प्रतिभा के वहाँ के व्यक्ति रनिया, कि वहाँ के एगो संग्राहक तरहबे कहनी, राइटर तरहबे कहनी, भोजपुरी भाषा के रूप में स्थापित करे वाला भी मनीषी रनी, और साथ ही साथ वहाँ के भोजपुरी भाषा के आंदोलन के जमीन अगर देखल जाए तो वो आंदोलन के जमीन में वो जौन पृष्ठभूमि बनल, वो पृष्ठभूमि में भी वहां के रही। एकरा ए तरह समझल जाओ, जब टीकमगढ़ में बनारसी दास चतुर्वेदी और ये क्या बलदेव उपाध्याय और एक आदमी का नाम मुझ कर ब्रजभूषण चाचा जी बता दें, वासुदेव शरण अग्रवाल, हाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये लोग जब भोजपुरी उजन स्थानीय भाषा के रीजनल लैंग्वेज के ऊपर मांग रखलक, तो वो समय भी अगर एक मनीषी खड़ा रहे साथ में तो व्यक्ति के नाम रहे गणेश चौबे जी, यानी कि भोजपुरी भाषा के आंदोलन के प्रारंभिक स्तर पर से जे काम करे वाला व्यक्ति रहलक, तो वो देखे कि कितना उनका अंदर बहुमुखी प्रतिभा बा, कितना वर्सटिलिटी बटे कि आंदोलन के जमीन के वहां के लेके आनी, यहाँ के सब लोग के जो लोग के नाम लेनी है, फिर राहुल बाबा के साथ, चाहे ओकरा बाद रुआ उदय नारायण तिवारी, ओकरा सब लोग के साथ यहाँ के बने बराबर रूप से काम करनी है। जनरली एगो नवीन भाई बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बा कि भोजपुरी में लोग ABC आरा बलिया छपरा करेला, लेकिन एगो चंपारण के एगो बहुत बड़ा भूभाग के भोजपुरी में अगर ना लेवल जाए, एक दिन चर्चा चलत रहे अर्जुन तिवारी जी के इतिहास के ऊपर बातचीत, तो हम ये बात के भी रेखांकित करनी कि अच्छा बात कई चीज बाटे लोग बिना रेफरेंस के वहाँ के लिख ले बने, लेकिन अच्छा बात बा कि आलोचना के जमीन और इतिहास के नया हिस्टोग्राफी के जोन मानक बा, जोन मापदंड बा, जोन इंडिकेटर्स बा, ओकरा आधार पे भोजपुरी के हिस्टोग्राफी के काम होई, कैसे कि कोई चीज भइल बा तो अगर ओमे कमी बा तो दुरुस्त करे के काम हमी के ओरी बा, एक उंगली अगर अन्य उठता तो तीन उंगली हमी ओरी बा, हमी के एक चीज के मुकम्मल करे के बा, और ये मुकम्मल करे में ऐसन के काम के अपना हाथ में लेवे वाला व्यक्ति के नाम रहे पंडित गणेश चौबे। हम ऐसे बात के जन कोरिलेट करत नहीं कि रउआ वो आदमी के सबसे पहला माने कंट्रीब्यूशन के रउआ देखी तो देखी का रिफरेंस लिखे के एगो किताब जोन रिफरेंस के संदर्भ बुक होकेला, वहाँ के पूरा एगो संदर्भ बुके तैयार करनी भोजपुरी के अपना जीवन काल में। बिल्कुल संतोष भाई, हमने के बात कर ये कृतित्व तो अभी हम जितने भी दर्शक हमने संग जुड़ पड़े, एक वाकया हम शेयर कर चाहता नहीं, जो उनकी हमने के आखिर के बोले बन 1912 में पंडित गणेश चौबे जी का जन्म, ब्रजभूषण चाचा जी रोहा की ओर से आवाज बनी ज्यादा होता लगा था, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, बैकग्राउंड से आवाज आ होता लगा, ठीक बा, हाँ ठीक 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 बा, ठीक। तो बात सन 1925 के बात हटे, कक्षा 5 में मोतिहारी के जिला स्कूल में
उनकर साथी कुछ रहे लो मैथिल भाषी वहां लो एगो बात पूछल लो कि भाई मातृभाषा का हटे उ समय रहे जौना गरीब भोजपुरी के लेके ठीक बातचीत चलत रहे बाकी लोगन के बीच में उतना ज्यादा एगो कहल जाला आत्मस्वाभिमान वाला बात ना रहे। तो गणेश जी के बारे में कहानी जोन बा हमारा पढ़े के मिला रहे कहीं पर बाद में यहाँ के बहुत बेहतरीन काम कहनी भोजपुरी में जोन की हमने के आगे चर्चा में हमने के सुनब जा। हम ब्रजभूषण चार्य के लगे जाय चाहब वहाँ के बहुत ज्यादा काम रहल बटे गणेश चौबे जी पर हम चाहब शुरू से लेके मतलब वहाँ के जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई बटे वो बारे में तनी बताई या फिर ओकरा बाद हमने के कृतित्व पर जाय जी। चाचा जी पांच दिसंबर हम सब पहले राजेंद्र जयंती धन्यवाद बधाई देतानी ये वर्चुअल कार्यक्रम सप्ताह भर चलावे खातिर रुआ सब लोग धन्यवाद के पात्र बनी या साधुवाद हम दे रहल बनी। आवाज मिल रहल बनू ठीक नवीन जी? हम तो सीधे सीधे चौबे जी पर आवे के चाहतनी। बहुत नट सेल में संतोष जी उनका योगदान के बारे में कहलन, लेकिन हम थोड़ा सा ओकरा के विस्तार देवे के चाहतानी कि गणेश चौबे के अगर जीवन के शुरुआती बात के हमनी ना जानब तो उन कैसे भोजपुरी के तरफ उनका रुझान होता एकरा बारे में हमनी ना जान पाए बा कैसे कैसे उनकर जौन कदम बढ़ल बा भोजपुरी में वो पर हमनी के जानल जरूरी बा। जिला स्कूल में पढ़त खानी पांचवा में उनकर मैथिली भाषी उनकर सहपाठी पूछलन कि तुम्हारी मातृभाषा चौबे क्या है तो वो कहलन जे हिंदी। तो कहलन जे तुम अपने घर में हिंदी बोलते हो तो नहीं तो तुम क्या बोलते हो। तो ये बहुत फेर में पढ़लन लेकिन कहीं चौबे जी वहां का लिखत आनी कि 1929 में माधुरी में रास बिहारी राय शर्मा के एगो भोजपुरी पर लेख छपल रहे जवना से उ जान पौलन नौवा में पढ़त रहस जान पौलन कि भोजपुरी हमार मातृभाषा है भोजपुरी कहाँ कहाँ के मातृभाषा है उनका ज्ञान भई। और नौवे में उ फोक टेल्स ऑफ बंगाल लाल बिहारी दे के पढ़लन किताब तो उनका लागल कि ऐसा काम भोजपुरी में हमनी काहे ना कर सकी। तो वो फेर में लगल ना 1932 में मैट्रिक पास कइला के बाद जब वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग करके 1934 में मोतिहारी कचहरी में नौकरी शुरू कइलन तो पूरा गजेटियर मोतिहारी कलेक्टरी के पढ़ गइलन आ वही घड़ी वो पूरा के पूरा संग्रह करे के शुरू कइलन। तो उनका पास 7,000 फुल स्केप साइज के पेपर में 10,000 लोकगीत 300 लोक कथा का कहल जाला कि कहावत मुहावरा ये सब के वो संग्रह कइल आ संग्रह कइला के बाद 1941 में पहली बार कलम उठौलन उनकर रहे बिहार में पानी बरसाने की विधियां पहला लेख रहे। ओकरा बाद 1945 में अंग्रेजी में लेख लिखलन द रेन कंपेलिंग राइट्स एंड स्टॉपिंग सॉन्ग्स इन बिहार। ओकरा बाद का कहल जाला कि 1948 में चंपारण के लोकगीत भोजपुरी के पहला लेख लिखलन 1948 में पहला भोजपुरी के लेख लिखतन भोजपुरी में। लेकिन जौन उनकर अंग्रेजी के लेख रहे रेन कंपेलिंग राइट्स एंड सॉन्ग्स में सारा उदाहरण वो भोजपुरी लोकगीत के देले बाण आ जौन बिहार में पानी बरसाने की विधियां वो पूरा भोजपुरी क्षेत्र के बा। ओकरा बाद लगभग उनकर उनके जीवन पर्यंत देखल जाए तो लगभग 400 निबंध अंग्रेजी हिंदी भोजपुरी में सबसे ज्यादा हिंदी में उनमें जीवनी लोकगीत पर बा लोक कथा पर बा कहावत पर बा जीवनी बा अवशिष्ट बा कुछ ऐतिहासिक निबंध बा ए तरह के वो काम वहां का कहीं।
लेकिन जौन आंदोलन के बात हमने कहनी है नवीन जी, अगर बात बात 1941 में लिखला के बाद वहां का जुड़ल जुड़नी के करा से तो वहां के लेख गए रहे परमेश्वर परमेश्वरी लाल गुप्त, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त सहायक संपादक रही आज के 1945 में वहां के लेख छपनी चौबे जी के वहां का, बड़ा अच्छा लागल। आ ओकरा बाद वो लोग के संपर्क बनल आ वही घड़ी 44-45 में कुलदीप नारायण राय झड़प बलिया, पंडित गणेश चौबे, आचार्य महेंद्र शास्त्री, परमेश्वरी लाल गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी आ वासुदेव शरण अग्रवाल, ये सब लोग के संपर्क में वहां का रही। वो घड़ी जनपदीय आंदोलन के जौन स्थिति रहे उसमें तीन तरह के योजना रहे, जनपदीय कल्याणी योजना रहे, ओकरा बाद उनकर रहे राहुल सांकृत्यायन के, तो राहुल सांकृत्यायन से ही लोग इत्तफाक कैसे ना रखत रहे कि राहुल सांकृत्यायन तीन को जनपद में भोजपुरी क्षेत्र के बांटत रहन, तो लोग कह के भोजपुरी क्षेत्र तो छूट हो जाए अगर तीन को जनपद में बट जाये तो, काहे कि अलग अलग अपन अथी करी काशिका बल्लिका मल्लिका तीन को में बांट के कहने एक अलग अलग अध्ययन होके। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल कहना संपूर्ण भोजपुरी जनपद के एक साथ करके लोक साहित्य से लेकर के शीर्ष साहित्य के ओकर कल जाए। वही में चौबे जी नवशक्ति में पटना से निकले वाला नवशक्ति आज में तीन गो लेख लिखलन जौना में उ ए सब पर करत आ एक भोजपुरी के संस्था बनावे पर ये लोग विचार शुरू कई, जौना के प्रतिफलन 1947 ईस्वी में भइल। ओकरा बाद से आगे ई बात बढ़ल, ओकरा बाद बहुत तरह के काम बा। चौबे जी खाली चौबे जी के भोजपुरी तक स्थिति सीमित ना रहे, वो पूरे ईस्टर्न क्षेत्र के लोक साहित्य के मर्मज्ञ रहस, जितना लोग के चाहे ह्यूमन इवेंट्स में छपे या थोक लोर में छपे, सब चौबे जी के रिकमेंडेशन पर छपे। वो रीजनल एडिटर रहलन 25 साल तक इंडियन फोकलोर के, रीजनल एडिटर क्षेत्रीय संपादक। यूजीसी के 6 साल लोक वार्ता विशेषज्ञ समिति के सदस्य, मिथिक सोसाइटी बंगलोर के सदस्य, नागरी प्रचारणी सभा के सदस्य, और हर जगह से रहस। लेकिन चौबे जी लिखा 1960 में जब हम बिहार विश्वविद्यालय तो 72वें है, लेकिन उनका 60 के पहले ही लागल की भाषाई कुचक चौबे जी लिखत नहीं है गो, हम पढ़ के अगर रउआ लोग अनुमति दी तो हम सुनावे चाहता नहीं उनका इंटरव्यू के अंश, जौना में वहां का कहता नहीं कि जब हम देखनी कि हिंदी के पद पर कायम प्रोफेसर लोग भोजपुरी के विरोध कर रहल बा, लोग नहीं चाहत कि जनपदीय भाषण के विकास होके या ओकरा बारे में पढ़ावल लिखावल जाए, काहे कि वो लोग का उतना रुचि ना रहे, उहे लोग एकर विरोध शुरू कइल। तो वहां का लिखत नहीं कि राजनीतिक लोग का लागल कि भोजपुरी हिंदी के अगर अथी कर दिया तो भोजपुरी दब जाई चाहे और भाषा सब दब जाई, आ प्रोफेसर लोग का लागल कि के जहमत में पढ़ो भोजपुरी पढ़ावे का चाहे सब का, तो ओकरा के वहां का भोजपुरी कुचक। ओकरा बाद से वहां का कहनी कि ना अब हमरा भोजपुरी पर केंद्रित होके काम करे के बाद वहां का केंद्रित होके काम शुरू कैनी। इनिशियल कुछ बात कैनी है, ओकरा बाद वहां के और सब लेखन उखन के बारे में आगे हमने बतियाल जाए। हम इतना कह के हम नवीन जी के फिर दे रहल बानी। सही बतौनी वहाँ के अद्भुत काम रहल बा, कहे से कि हमरा जहाँ तक मालूम बाटे हम शुरुआत में कुछ पोस्ट फेसबुक पर लिखले रहनी तो ब्रजभूषण चाय जी ही हमरा के टोकनी या कहनी कि नवीन पंडित गणेश चौबे जी के तू पढ़ले नहीं खा लागत अटे, चाहे तू तारा उनका बारे में मालूम नहीं क्या। विश्वास करी चाचा जी हमरा लेखा बहुत लोग बा जे भोजपुरी, चाहे भोजपुरी क्षेत्र से, चाहे बिहार से, पूर्वांचल से, जे पंडित गणेश चौबे जी के बारे में बहुत कम जानता टे, शायद अधिकतर साहित्यकार लोगों के बारे में बहुत कम जानता टे। एकरा पीछे अब जौन कारण हो सके, अब हमने के यदि देखा तनी जा तो पंडित गणेश चौबे जी के तीन गो भोजपुरी के, खास करके हमने के भोजपुरी के यदि क्षेत्र में देखल जाओ, संतोष भाई रो भी सहमत होगा वे बात से, गणेश चौबे जी तीन फ्रंट पर काम किले बनी। पहला फ्रंट तो जौन ऐतिहासिक बा, जोन इतिहास में लिखा चुकल बा, ओकर कलेक्शन के लिए बनी। दूसर चीज जोन बाटे तो
जो क्रांति माने एक तरह से भाषाई जो क्रांति हो आंदोलन आंदोलन ओकरा के शुरुआत कैले बनी। तीसरका चीज एगो हम कुछ दिन पहले अवध बिहारी कवि जी के पत्राचार हम गणेश चुबे जी से पढ़त रहनी, तो ओकरा में कहीं ना कहीं गणेश चुबे जी के जो मानक भोजपुरी के बनावे कर रहे माने भोजपुरी गणेश जी मानत रहनी की ठीक बा कविता लिखाता लोक गीत बाटे सब कुछ बा, बाकी भोजपुरी में जब तक ले उच्च कोटि के गद्य लेखन ना हुई तब तक ले मानक के जोन बाटे समस्या बन रही आ विद्वान लोग ए भाषा के एक्सेप्टेबिलिटी ना रही। तो हम ये विषय पर दोनों आदमी से संतोष भाई रोहरो से या प्रभुभूषण चाय जी से भी हम ये पर चाहब कि आखिर गणेश चुबे जी आंदोलन रहे कलेक्शन रहे जो पूरा ऐतिहासिक संकलन रहे पूरा रहल ओकरा बाद भोजपुरी के लेके वहां के जो गद्य वाला बात के लिए बनी अच्छा है भोजपुरी के स्वरूप वहां के देखा था नहीं वो का रहे मतलब का सोच रहे पहले हम संतोष भाई से हम अभी अभी चचा जी भी चूंकि चचा जी हम ही से ज्यादा रोक है बताओ तनी नवीन जी 97 में हम एमए कैले रहनी अंग्रेजी से है ना और आदरणीय गणेश चौबे जी के निधन 97 में भय रहे। चचा जी हम ठीक बानी ना 97 में वहां के निधन हाँ, 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 29 अक्टूबर 97 अंग्रेजी से एमए को ले रहनी सन ठीक बा और भोजपुरी के ओर ट्रांजिशन होते रहे। तो गणेश चौबे जी के चिट्ठी हमरा अच्छा गणेश चौबे जी के एगो बड़ा अच्छा मैंने वहाँ के हर एक नया लोग के आए करते हमी के बाबूजी भी मंच पे उबरा कविता उबता करत रहनी है खूब बढ़िया चाचा जी के तो सानिध्य वो लोग साथे रहल बजाना तनी तो हमरा घरे बड़ा कलेक्शन बाटे आदरणीय चौबे जी के चिट्ठी सबके ठीक बा हमी के भोजपुरी के प्रति रुझान के पीछे कारण बा घर में एगो माहौल भी मिला रहे नवीन भाई बहुत ईमानदारी से बताओ जी। तो हम कनी बाबूजी से चीज बड़ा सुंदर चिट्ठी लिखल बा बाबूजी बड़ा इनकरेजमेंट बा तो वहाँ कनी कि गणेश चौबे जी हर एक नया लोग के मंच देनी वहाँ के रउआ तीन बात कहनी है तो हम बताओ तनी पहला बात पर हम आओ तनी वहाँ के हिंदी के उतने मर्मज्ञ विद्वान रहनी है और अंग्रेजी के भी मर्मज्ञ विद्वान है 56 से लेके शायद 81 तक वहाँ के इंडियन फोक लॉर के माने रीजनल एडिटर रहनिया तो वो आदमी के इंग्लिश के भी जोन इंटरनेशनल जोन सिग्निफिकेंस बा तो उकरा बारे में जानकारी बा हिंदी के बनल और हिंदी के सरकारी व्यवस्था से जे तरह हिंदी के पूरा घी पानी पियावल जात रहे वो चीज के वहाँ के जानकारी रहे हिंदी के फैलाव के भी जानकारी रहे और सरकारी मदद के भी रहे और राष्ट्रीय आंदोलन में चूंकि गणेश चौबे जी के कांग्रेस से भी जुड़ाव रहे। चाचा जी हम गलत कहें तो बताएं रहुआ हमरा थोड़ा सा ना, ना, केदार पांडे से। और केदार पांडे जी से वहां के बड़ा नजदीकी भी रहा बिहार के मुख्यमंत्री जी से तो वहां के गणेश चौबे जी ये बात के रहुआ जान ली की चाहत रहनी की कम से कम भोजपुरी के जो स्टैंडर्ड बा भोजपुरी के जो स्थिति बा वो लेवल पे आए जहाँ पे लोग भाषा के साहित्य के जो स्तर के ए लेवल के होके जो इंग्लिश से और हिंदी से मुकाबला करे तो वहाँ के जो सोच रहे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव रहे बहुत ही प्रगतिशील रहे कि भाई हम ही के जब दुनिया में जहाँ इतना सारी भाषा डिक्लाइन होता ओकरा अंदर में भोजपुरी के ले आके स्थापित करल तो वो आदमी के हम एगो दूगो ना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होगा कि जानत नहीं नवीन भाई की 2012 से हम वहाँ के जयंती जन दिल्ली में मनाए के शुरू कैनी पहला बेर बहुत कुछ कम लोग जानते रहे 30 आदमी हमी के जुटा रहनी सर बाद में शिवजी भाई लोग के भी बुला के वहाँ के जयंती मनाए के हम शुरू कैनी जन एगो छोटा संस्था बना के और एगो फोटो वहाँ के निकलनी रहुआ फेसबुक पर देख ले कई लोग लगावे ला या वहाँ के एगो फोटो बा बड़ा पुराना किताब से निकाल के वो फोटो के हम कलर फुल जैसा लाल टाइप के बनल बा वहाँ के जन्म और मृत्यु वगैरह के चर्चा करके फोटो के भी करनी ओकरा बाद ओकरा फेसबुक पर भी लेके आएंगे एक आर्टिकल भी लिखनी और साथ में साथ रुआ कहनी है ना कि कई लोग के नहीं पता तो यही से ब्रजभूषण चा के भी पता बा कि यही से हम विश्व भोजपुरी सम्मेलन में आदरणीय गणेश चौबे जी के नाम से एक अवार्ड के शुरुआत करनी जब मीटिंग होते रहे तो हम कहनी कि रुआ इधर हर व्यक्ति के रोवा लोग शुरू करी
तो गणेश चौबे जी के नाम से हमी के विश्व भोजपुरी सम्मेलन में बिकाई निशान और वहां के बारे में हम खड़ा होकर बतानी एक दो आर्टिकल भी लिखले बानी, अनफॉर्चुनेटली हिंदी में ही हम लिखले बानी, हम ये बात के स्वीकार करते नहीं होकर कि हम भोजपुरी में विस्तार देले बानी अपन प्रोजेक्ट में जो पीएचडी के रहे। एनीवे तो एक बात ही रख, दूसरा बात ही रहे कि वहां के आंदोलन 40 गणेश चौबे जी के भी एक गणेश जी के चौबे जी के विचार के वो उत्पाद है। आज छज्जू बाग में जो मीटिंग भइल और आदरणीय डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी हमरा बात से चचा जी सहमत भी होके कि छज्जू बाग केदार पांडे जी के घर पर मीटिंग भइल आ दू गो संस्था के स्थापना भइल, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन जौना के 25वां अधिवेशन 2013 में भइल, ओकरा बाद अभी तक नहीं के भइल, जेमे आदरणीय प्रसाद श्रीवास्तव जी अध्यक्ष बानी, आ दूसर का भोजपुरी भोजपुरी अकादमी। अरे भोजपुरी अकादमी में गणेश चौबे जी त्रिपाठी जी हवलदार आदरणीय हवलदार त्रिपाठी जी हवलदार त्रिपाठी जी के साथ एगो महतो जी भी रहलन का चाचा जी सही बानी हम ना, ये दोनों आदमी बेचारे बड़ी मेहनत करके बन आ सब फिर लोग प्रोजेक्ट लेके उनकरो लगे गए लोग का नाम कर्पूरी ठाकुर जी लगे और एक भइल। तो हम ये बतानिए कि पूरे भारत में और पूरा विश्व में कि हमी ला एगो बहुत बड़ा जाने के चाहिए कि वहाँ के भोजपुरी अकादमी पहला बार अकादमिक रूप में अकादमी के स्थापना भइल, ओह में भी वहाँ के रीढ़ के हड्डी के तरह रहनी है आदरणीय गणेश चौबे जी। हन लेखन के तो ऊपर अभी बात होबे करी चाचा जी लगे तो पूरा हिस्ट्री बा कैसे कि हमरा जहाँ तक मालूम बा भोजपुरी हिंदी शब्दकोश जोन वहाँ के तैयार कर रही है उस शब्दकोश जोन बा उमे ब्रजभूषण मिश्रा जी भी सहयोगी रहनी है, तो उस शब्दकोश के तैयारी में जोन की बाद में नीरन जी की यहाँ के जोन विश्व भोजपुरी सम्मेलन बा ओकरा के प्रकाशित कैले रहे और शायद हमरा अभी पता लागल कि ओकर विस्तृत रूप शायद वर्धा से छप के आयल बा। जी संतोष भाई बहुत धन्यवाद रुआ विस्तार से जानकारी देनी है। भूषण चाचा जी ये सवाल के ही जो संतोष भाई देनी है वही के विस्तार देवे के बाद बटे कि पंडित गणेश चौबे जी के आंदोलन ओकरा बाद जो संस्था आदि के साथ भी वहाँ के अकादमी से भी जुड़ी उत्पादक मंडल में रहनी शुरुआती समय में जब अकादमी के पत्रिका होत रहे तो वहाँ के भोजपुरी के कौना रूप के देखत रहनी, मतलब वहाँ के भोजपुरी में का बदलाव के रहे हमने कभी कहा मारी जी नवीन जी चौबे जी के जे दो या तीन गो इंटरव्यू छपल बा एगो भोजपुरी लोक में 1993 में जी आ 1967 या 76 में जे जमशेदपुर से साक्षात्कार करके एगो रसिक झा जी ओझा निर्भीक के संपादन में हाँ वो में एगो वहाँ के इंटरव्यू बा एक इंटरव्यू वहाँ के भोजपुरी लोक कहनी अथी में छपल बा अथी वो गणेश चौबे पर एगो किताबे निकलले रहे लोक साहित्य संगम बिहिया अच्छा। कृष्णदेव उपाध्याय पर पंडित गणेश चौबे पर दू गो किताब लोग 1979 में निकलले रहे अच्छा। वो सब के देखला से ओमे भी एगो इंटरव्यू छपल बा हरिश्चंद्र साहित्यालंकार वहाँ के इंटरव्यू हरिश्चंद्र साहित्यालंकार मोतिहारी के रही वहाँ का भी बहुत बढ़िया लोक साहित्य के अध्येता रही आ चौबे जी वहाँ के रचना जहाँ तहाँ छपुआत रहनी। एक बात हम कहनी है कि नास खाली भोजपुरी क्षेत्र बल्कि अवधी ब्रजभाषा गुजराती और एने मैथिली संथाली नगपुरिया ये सब के साथ चौबे जी के तुलनात्मक भी काम भइल बा जौन वहाँ का लिखले बानी वहाँ का जगह जगह पर देखल जाए तो वो तुलनात्मक आलोचना के वहाँ का विस्तार देले बानी अपना लेखन में तो कोई बानी साहित्य के बारे में भोजपुरी के लोक साहित्य कहाँ ठहरता
वो साहित्य के तुलना में भोजपुरी के साहित्य कहाँ ठहरता, इस सब वहाँ का बतौले बनी। दूसर का कि वहाँ के एगो बरहन काम बा शोधार्थी लोग के सहायता के, और ओकरे कारण पहले एथी में ना रहे, कोनो बंगरी उंगरी में हॉल्ट स्टेशन ना रहे, सीधे पिपरा स्टेशन के बाद जीवधारा स्टेशन रहे। आ उनका यहाँ बहुत विदेशी लोग भी आवत रहे, या देश के कोना कोना के लोग भी शोधार्थी लोग आवत रहे, या उनके साहित्यिक मित्र लोग आवत रहे। तो वहां पर एगो बंगरी हॉल्ट स्टेशन केदार पांडे जी खोलवैली, केदारे पांडे रेल मंत्री रही तो खुलर। तो एगो चौबे जी का चलते गांव में बंगरी हॉल्ट स्टेशन खुलल। एक बात और कहना चाहते हैं, संतोष जी कलन पत्र के वहां का बुझाता कि इस महीना में सैकड़ों सैकड़ों पत्र लिखत रही, वहां की यहाँ आवत रहे, वहां का पोस्ट कार्ड लिखत रहे। लेकिन एक लाइन अगर संतोष पटेल के कविता नवीन जी के कोनो बात उनका अगर पसंद पड़ल तो लिखलन जे हाँ बात कहले बानी बहुत अच्छा लागल, एकरा पर और सोचे की चाहे विचारे के चाहिए। वहां का मने बूस्टअप करत रही केहू भी लिखे बिहार के। अगर हम जौना स्थिति में बानी ओमे गणेश चौबे जैसा आदमी के बहुत बड़ा हाथ बा, वहां कहीं भी परिचय करावल, कहीं भी कैल यहाँ भेज दी, यहाँ कर दी, वहां लिख दी, वहां चले के बाद वहां के साथे हम यात्रा भी कैली ये 11th इंडियन फोक लोर कांग्रेस में 88 में 87 में शांति निकेतन में भई रहे, जौना की वहां का सम्मानित अतिथि रही। आई दू गो भोजपुरिया लोग का उनमें बहुत बड़न सम्मान मिल रहे, कई देश के लोग आए रहे, उड़िया डिपार्टमेंट और फोकलोर सोसाइटी कलकत्ता के ज्वाइंट वेंचर में भई रहे। उनमें कृष्णदेव उपाध्याय ओकर प्रेसिडेंट रही उस कॉन्फ्रेंस के, आ चौबे जी सम्मानित अतिथि रही ओ कॉन्फ्रेंस के, आ अंत में चौबे जी के भाषण भई रात में वहां का हमारा के डिक्टेशन देनी कि हई हई रउआ मैंने वहां का बोलनी हम लिखनी, आ लिख करके वहां का बिहान भेला वह चीज वहां पर पढ़नी। हम कहनी कि अपने इतना अंग्रेजी वाला लोग बा अपने हिंदी में काहे लिखनी है, तो कहनी है कि अंग्रेजी वाला बा तो आए बा इंडिया में भारत में तो हम काहे न हिंदी में करी, हिंदी हिंदियों के तो हमरे है, हिंदी के भी तो हमने के करे के बा। सब बात वहां का पूरा ईस्टर्न जोन के पूर्वी क्षेत्र के जे भी लोक साहित्य वहां के कहल गई रहे, उ लोग रिक्वेस्ट कर लगती अपने पूर्वी क्षेत्र के जे लोक साहित्य के स्थिति बा आ जोन उपलब्धि बा ओकरा पर अध्ययन के ऊपर बतावल जाओ। तो वहां का सारा लोग के नाम हम वही में जननी कि राम वृक्ष बेनीपुरी भी लोक साहित्य पर काम मैथिली के कैले बानी, राम इकबाल सिंह राकेश कैले बानी, आ वहां का तमाम लोग के नाम जेकर नाम हमने ना जानत रही उ सारा अध्येता लोग के नाम रखनी। तो तरह के रही एक बात और बाकी जितना सुधार्थियों में धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री के बात आई है, धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री के पूरा सर्वभंग संप्रदाय के साहित्य के खोज कैल चौबे जी के रहे, और सारा वो लोग के कविता इकट्ठा कैल, वो लोग के जीवनी इकट्ठा कैल, वहां का देनी और बाद वहां का PhD धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री करी वहां का लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के वो घड़ी प्रिंसिपल रही। ओकरा वो किताब जोन सर्वभंग संप्रदाय पर निकलल बा राष्ट्रभाषा परिषद से, चौबे जी के भी कई जगह फोटो वहां का देले बानी। तो चौबे जी एक तरह से बहुत मदद करत रहे लोग के, निर्भीक जी परमेश्वर दुबे साहबादी जी। चाचा जी एक चीज वही में जोड़ दी कि वहां के तो इतना चीज लिख के जोन बाकी राष्ट्रभाषा परिषद पटना के दे देनी कि वो जाने को चौबे संग्रह है बन गए। हाँ वो तो 700 पांडुलिपि 750 पांडुलिपि वहां का ग्रंथ संस्कृत हाँ, है ना उतने ना अब पटना म्यूजियम के भी वहां का देले बनी पुराना सिक्का जे भी पूरा तात्विक चीज वहां का मिलल चंपारण में संग्रह करके उस सब देले बनी वहां का तरह से वहां का काम कैले बनी। हाँ तो हम एक बात कहनी है कि वहां के वहां का जितना किताब निकलत रहे लोग जी 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 बोली बोली बोली
जितना अथी में किताब निकलत रहे जितना भी भोजपुरी में या चाहे लोक साहित्य पर, वो सब के वहां का करेंट इंडियन प्रेस करके फोकलोर में जमुना के वहां का रीजनल एडिटर रही एगो आवत रहे स्तंभ स्तंभ आवत रहे वहां का लगातार उन्हें का लिखत रही आ वो सब किताब के चर्चा वहां का करी आ वहां का किताब जोन कोई भेजे तो भेजे ना भेजे तो वहां का खरीद के मंगा लेते नहीं किताब के देवे में वहां का बड़ा कंजूसी रहे हमरो जैसा आदमी के वहां का कभी कोनो किताब पढ़े ला दी तो वहां का हैंड नोट बनवा के देते नहीं किताब के 50,000 मैगजीन्स किताब सब वहां के लाइब्रेरी हम देखले बानी दूरा पर जाकर के गजब के वो स्टॉक रहे का भइल ना भइल कोई से भेंट नहीं के हो जो हम कुछ बता सके तो स्थिति बात चौबे जी के बहुत बरहन एक तीन को बात और बतावे के चाहते नहीं कोष के बात आयल उमें चौबे जी हमरा के जिम्मा दिल रही स्वर वर्ण वाला टोटल हम करके वहां के देनी वहां का उपरा के देख सुन के ठीक करके जमा भाई कुछ और लोग से व्यंजन वाला करौनी वहां का अपना देख रेख में वहां के पहले रहे कि भोजपुरी लौकिक कोष हम निकाली लौकिक कोष माने जो लोग भोजपुरी लोक में जितना शब्द प्रचलित हुआ वो करे के हम राखी आ तब एगो भोजपुरी ही कोष बनाई अलग आ जमुना खरी वहां का बर्णी वहां का श्रम से संबंधित जितना ही जतसार वाला गीत बा ओमे जतसार गीतन के कथात्मकता का बा ऊपर वहां का काम करत रहे बहुत सारा काम कर चुके रही कि बीच में वहां के निधन भई तो ये अब काका कह जब बहुत सारा बात बा और हम नवीन जी के देता नहीं आगे जब पूछब असल में ये बात कही में रहुआ के रहुआ तो रहबे करी संतोष भाई के ऐसे ले आउल गिल बटे कि जहां जहां मिस होई हो जगा संतोष भाई पिन करी है कि ना ना है ना है दादा भाई नवीन जी हम अपन गुरु तुले आदरणीय संतोष भाई देखी रहुआ नाव कुछ लेता नहीं तो वो नाव पर विस्तार मिला था चाचा जी से वो बहुत जरूरी चीज बटे देखी चर्चा में अगर एक्सप्लोर ना होगी तब जानकारी ना मिली हाँ हम तो एक तरह से रहुए साथे बानी रहुए साथे मॉडरेटर काम करत नहीं चिंता मत जुगानी भाई के कमेंट आई बटे कि गणेश चुबे जी के लगे गंभीर तुलनात्मक अध्ययन रहल संजोग से दू दाई मंच पर भेंट भइल रहल हिंदी या भोजपुरी के बीच के रिश्ता के लेके लमहर बतकही भई रहे भई रहल लोक अज्ञता के लेके बड़ा गंभीर सोच इनकर रहल भोजपुरी साहित्य का पहिलका आलोचक इनके कहल जा सकेला छोट छोट चिट्ठी एक तरह से आलोचना के सूत्र रहल बिल्कुल बहुत जरूरी ई पॉइंट बाटे हम बतकही के अगला चर्चा जोन बाटे कुछ बात हमनी के कह चुकल बनी जा हम अगला सवाल ये रही कि गणेश चुबे जी अंग्रेजी के विद्वान रहनी संस्कृत के विद्वान रहनी हिंदी के विद्वान रहनी भोजपुरी के विद्वान रहनी मैथिली के भी अगर विद्वान हम कहीं तो गलत ना कहीं वहां का मैथिली भाषा भी बढ़िया से मालूम रहे जहां तक हम जानते हैं वहां के नजर में मतलब ये पूरा भाषा के जानकार भइले के बाद भी भोजपुरी के कौना तरीका से वहां के देखत रहनी हिंदी के तुलना में कुछ चर्चा चाचा जी कहनी है हिंदी के तुलना में भोजपुरी के वहां के कैसे देखत रहनी ये विषय पता नहीं हम चाहब संतोष भाई से भी विभूषण चाय से भी जानकारी लिहल कि का रहे वहां के विचार संतोष भाई संतोष भाई से जी बहुत बहुत धन्यवाद दू गो किताब हेलो आवाज आओ था हाँ बोली जी हेलो हाँ वहाँ के ऊपर दो तीन किताब हमरा पढ़े के अच्छा मौका मिला रहे एगो अभी चचा जी बताइबे कहनी है कि भोजपुरी लोक पंडित गणेश चौबे के विशेषांक जोन की दिसंबर और जनवरी में 92-93 के में आई रहे वहाँ के जीवन काल में आई रहे बहुत अच्छा किताब बटे ओकरा बाद मैंने पीछे 2-3 साल पहले चंपारण चंद्रिका 9 चंपारण चंद्रिका करके किताब बगहा से निकलेला वो ओकरा के रविकेश मिश्र जी आदरणीय रविकेश मिश्र जी ओकर संपादन करेनी और भी टीम बटे उनमें भी गणेश चौबे जी के निकले रहे उनमें ब्रजभूषण चाचा जी के भी आर्ट के रहे ब्रजभूषण चाचा जी रहुआ याद हुई है अच्छा और तीसरा जो हाँ और तीसरा किताब जो बा हमरा पढ़े के मिला रहे वो स्कॉलर के और एगो
शोभा कांत झा जी बाड़न जो कि चंपारण में रह हुआन, वो भी हिंदी साहित्य के में चंपारण के योगदान पे काम कैले बाड़न, लेकिन उनकर आधा किताब सरभंग के बा और आधा किताब जौन बा भोजपुरी के लेके बा, और ओकरा के भोजपुरी के भी हिंदी में गिनले बाड़न। एनीवे हमी के रिसर्चर हैं सा तो खोजे के उमे मौका मिलल है ना, और गांधी पीस फाउंडेशन से प्रकाशन भी ओकर हो गेल बाटे। बहरहाल रउवा कहनी है कि देखी जब 97 के बाद से हमी के भोजपुरी के ओर रुझान बढ़त गई धीरे धीरे, तो गणेश चौबे जी ऐसे ज्यादा प्रासंगिक हो गए नी हमी ला जाने ला कि वहाँ के बंगाली जिसे रउवा कहनी है, हम एक और चीज जोड़ देते हैं, वो बांग्ला भाषा के भी वहाँ के अच्छा जानकारी रहनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे रउवा जानकारी होके चाहिए कि वहाँ के इंडियन फोकलोर जोन फोकलोर कलकत्ता से अंग्रेजी के पत्रिका में 56 से 81 तक रहबे कहनी, एगो और है भारतीय लोकयान, ये भारतीय लोकयान भी लोकायन लोकयान लोकायन लोकायन तो लोकायन रहे। अच्छा हाँ, लिखे में चश्मो छूट गई बा, तो लोकायन में ये 1963 में अंग्रेजी के पत्रिका लख, ओकरा में भी यहाँ के एडिटर रहनी आप बहुत सारा लिखत नहीं। हम थोड़ा सा बता देते नहीं कैसे, चाचा जी तो समुंदर है हमी के तो पोखरा है सा, फिर भी वही नहीं अजोर पत्रिका रख पटना। अरे से भाई बोल निकलत रहे और निकलत रख मोतिहारी से, फिर रउआ निकली भोजपुरी जनपद रख बनारस से निकलत रख छपरा से निकलत रख, फिर भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका रहे भोजपुरी अकादमी पत्रिका रहे जोखिम रहे मोतिहारी से निकलत रहे, शायद वो कौन राकेश जी निकालत रहन शायद। हेलो हाँ हेलो, जोखिम राकेश जी निकालत रहन ना, वो बहुत जनवादी कवि रहन। और हाँ, जो, ना जोखिम निकालत रह सांवलिया बिकल, सांवलिया बिकल के जोखिम रहे। हाँ हाँ, वो हमरे यहाँ के रहलन पश्चिमे चंपारण के रहलन, एक बार सांवलिया बिकल। हाँ, जोखिम जो रहे मोतिहारी से निकलत रहे, हिलोर निकलत रहे आरा से, लोक वृत्त कलकत्ता से जो फोकलोर के भी बात के नहीं, वो भी वो हिंदी के पत्रिका लख, और एगो रख भोजपुरी लोक वृत्त। और देखिए रउआ और एगो इंटरेस्टिंग बात बताओ तनी, देखिए कितना नवीन भाई भी हमारे कभी कभी भाषा के राजनीति से कितना बड़ा योगदान होकेला। देखी तनी कहानी कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक गणेश चौबे जी, और उकरे से हट के एक और संस्था बनल जेकरा के भोजपुरी भाषा के यहाँ जे लिखले बानी राज बिहारी पांडे जी, वहाँ लोग के देख रेख में एक बना रहे अखिल भारतीय भोजपुरी भाषा सम्मेलन, माने कि अखिल भारतीय सम्मेलन एक भाषा सम्मेलन, वो भाषा सम्मेलन के भी माने एक तरह से समझी कि वृक्ष के होगा माने कि पले बढ़े में ओकरा पलवित पुष्पित होके में गणेश चौबे जी के बहुत बड़ा योगदान रख। चाचा जी अगर हम गलत ना कहें तो रउआ हमरा के तनी करेक्ट। ना ना ठीक 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 बा। और गणेश जी के रउआ जन देखत आनी तो खाली हम तो रउआ बतैनी कि यहाँ के संपादक मंडल में कितना रहनी है, वही तरह वहाँ के साहित्यिक संस्था से भी बहुत जुड़ाव रख, जैसे नागरी प्रचारणी समिति के भी सदस्य रहनी, वही तरह रउआ हिंदी अंतर जनपदीय परिषद बनारस के भी सदस्य रहनी है, फिर लोक वार्ता परिषद टीकमगढ़ के भी सदस्य रहनी, मिथिक सोसाइटी बंगलोर के भी सदस्य रहनी है, बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना के भी सदस्य, नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी के सदस्य, भारतीय हिंदी परिषद सदस्य ना, नवयुवक समिति पुस्तकालय के अध्यक्ष वहां का रही बीच जिला अध्यक्ष रही। हाँ, पुस्तकालय संघ के और भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग के सभासद रहनी, भोजपुरी संस्कृति संस्थान बनारस के साथे जुड़ाव रहे, चंपारण जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन से रहे, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, और इम्पोर्टेंट बात बा हमरोवा के फोकलोर पे ऐसे कहते नहीं कि वहाँ के जैसे सुखदेव सिंह के एगो बहुत बड़ा काम बा भक्ताही पंथ पे, और वहाँ के भक्ताही पंथ पे एक पूरा किताब लिखले बने जो उनकी बनारस के विश्वविद्यालय प्रकाशन से प्रकाशित भी भइल बा, तो भक्ताही पंथ के भी अमूमन शुरुआत चंपारण के जमीन से भइल बा, जहाँ कबीर जी नारायणी नदी पकड़ के अइनी आ वहाँ के साथे भगवान गोस्वामी खड़ा रहलन, तो ई जहाँ रवीश कुमार के घर हटे चटिया आश्रम, वो जने को चटिया आश्रम बा, वही अनहद नाद में जाके कबीर बाबा गीत गाई, आ भगवान गोस्वामी के कहा कि चोर कवि ऊ का करस कि
जब कबीर बाबा गावस तो नोट करे लागस तो सब कागजवा बाटे बेतिया में रखल बा पूरा पांडुलिपि रखल बा जो ना लोग आवेला ये सब के सामने भी ले आए के काम गणेश चौबे जी कैले बानी आ ओही तरह के काम धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी जोन बाटे संतों का मत सर्वभंग वो भी चंपारण में और नेपाल के कुछ पार्ट में बहुत ज्यादा रहल बा जबकि कीना रामो का शुरुआत कैले बानी बनारस से आके लेकिन जे तरह के काम कितना अच्छा काम बा वो काम में गणेश चौबे जी के समझ नहीं बहुत बड़ा योगदान और बताएं कि इतिहास लिखा था तो सर्वभंगे साफ हो जाता तो सर्वभंग संप्रदाय में के पूरा किताब कैसे आईलियो जाननी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के ओर से एगो लेख के किताब जनबा की संपादित भई रहे चचा जी के याद हुई वो लेख में सब बहुत माने पहले के विद्वान लोग यहां के उदय नारायण तिवारी उग्रक सब के लेख बाटे ओमें ओई में एगो छोटा सा सिनॉप्सिस टाइप के धर्मेंद्र ब्रह्मचारी के भी लेख रहे उ गणेश चौबे जी के कहला पर भोजपुरी निबंध निकुंज हाँ भोजपुरी निबंध निकुंज लेकिन राहुल यादाश ठीक बा हमी के तनी यादाश कमजोर पड़ जाता ये संतोष भाई बहुत विस्तृत बढ़िया से जानकारी देनी हम सवाल हम चाचा जी से करे जा रहल बनी जोन की आज के तारीख में भी बहुत सामयिक सवाल बटे आ जब हमनी के गणेश चौबे जी के रेफरेंस में बात कर रहल बनी जाता है वो बहुत बड़हन भाषाविद और भाषा वैज्ञानिक और भाषा शोधी कई मतलब वहाँ के अगर भाषा के व्याकरणीय रूप ऐतिहासिक रूप लौकिक रूप हर तरह के भाषाई पहलू के परिचय परियार परिचय वहाँ से रहे चाचा जी वो कैसे देखा था नहीं वहाँ के भोजपुरी के लेके वहाँ का नजरिया का रहे इन्हें बतावे की जरूरत नहीं है वहाँ के भोजपुरी में तो बहुत काम के लिए बनी हिंदी के तुलना में जो उनकी आज के तारीख में लोग कहते हैं कि भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता चाहे ये कुछ चीज से बहुत नुकसान हो जाए तो एगो बंगला मैथिली हिंदी संस्कृत अंग्रेजी के विद्वान भोजपुरिया पंडित गणेश चौबे जी कैसे कमरा तरीका से देखते हैं ये चीज के वहाँ का एगो सबसे पहले वहाँ का जो अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 1985 में अध्यक्षता करत रांची अधिवेशन में जो भाषण देले रही हो सके जे रउआ पढ़ले हो कब चाहे अस्मिता चिंतन चाहे उ दशरथन में अस्मिता चिंतन में जो लेख सब छपल बा उमे वहाँ का कहले रही कि भोजपुरी के उद्धार तभी हुई जबकि एकरा के रोजी रोजगार से जोड़ल जाय तो वहाँ का तो सबसे पहला वहाँ के रहे थे कि भोजपुरी के रोजी या रोजगार से जोड़ल जाए और रोजी रोजगार से कैसे जोड़ल जाए ये ला वहाँ का कहते रहे कि जब तक ये क्षेत्र के जे जनप्रतिनिधि लोग बा ऊपर ना ध्यान दी राजनेता लोग बा ना ध्यान दी तो रोजी रोजगार से ना जुड़ी काहे कि अगर भोजपुरी क्षेत्र के विकास करे के बा खाली भोजपुरी भाषा साहित्य के विकास ला ना भोजपुरी क्षेत्र के विकास ला भी वहाँ का भोजपुरी साहित्य के श्री वृद्धि के वो भोजपुरी के रोजी रोजगार से जोड़े के पक्षधर रही ये सबसे बड़हन वहाँ का एगो बात कहले बनी रह गेल कि भोजपुरी कैसे विकसित हुई एहू पर वहाँ का कहले बनी कि खाली लोक साहित्य के अध्ययन से भोजपुरी के विकास ना हुई वहाँ का लिखत नहीं हम पढ़ के सुनावे के चाहतनी नवीन जी जौन कहलन हा संतोष जी कहलन हा तो हम किताब से दिखा देवे के चाहतनी कि कौन कौन चौबे जी पर किताब आयल बा एगो अथी है रिसर्टेशन पेपर के है लोक रंग का सौंदर्य शास्त्र वहाँ के ऊपर तीन गो रिसर्टेशन भइल बा एगो एने हम PhD चंपारण के एगो लड़का से करवा देनी हा पंडित गणेश चौबे पर जे सामग्री उपलब्ध रहल वो आधार पर PhD हो गई बा अवार्डेड हो गई बा किताबो आवे के फेर में बा तो हम करवाइनी हा दोसर कि चौबे जी बराबर भोजपुरी के दूसरा भाषा के तुलना में राखे के कोशिश करत रही वहाँ का कहने कि एमे कुछ वैज्ञानिक साहित्य भी आवे की चाहिए वहाँ का लिखत नहीं कि हम ई बात मानत मानी कि खाली लोक साहित्य का संग्रह से भोजपुरी के बढ़ंती ना हो भोजपुरी में अभी चार तरह के साहित्य पावल जाला
लोक साहित्य, संत साहित्य, मध्यकालीन शिष्ट साहित्य, आधुनिक साहित्य, में संत साहित्य में अधिकांश लिपिबद्ध बा। मध्य युगीय साहित्य के भी कुछ ऐसा स्थिति बा। आधुनिक साहित्य छपल बा, लेकिन लोक साहित्य संबंधी विशाल सामग्री विस्मृति का गर्भ में विलीन हो रहल बा। एके बचावे वास्ते तुरंत लिख लेवे के चाही। नया साहित्य के रचना तो हो रहल बा, लेकिन पुरनका के बचावे के कोई प्रयास नहीं के हो। भोजपुरी का साहित्य प्रेमियन का यह तरफ भी ध्यान देवे के चाही। शोध के काम, शोध संबंधी काम के आपस में बांट के कई लच्छा हो। यहाँ का कहले बनी, वहां का एक जगह और कहले बनी कि भोजपुरी साहित्य का विकास में सबसे बड़हन बाधा ये बा कि भोजपुरी ग्रंथन के प्रकाशन और खपत के कोनो व्यवस्था नहीं थी। ये हमर ख्याल बा लेखक सहयोग समिति के स्थापना करके ग्रंथन के प्रकाशन कई जा सकेला, व्यवसायिक वृद्धि से ओकरा के खपावल भी जा सकेला। हमनी के प्रचार प्रसार पक्ष इतना निर्बल बा कि भोजपुरी का बढ़ियों ग्रंथन पर पत्र पत्रिका में लेख ना आवे। साहित्य अकादमी से मान्यता मिल गईला से कोनो भाषा का लेखन का कुछ सहूलियत हो जाला। ऐसे मान्यता वास्ते आंदोलन जारी रहे के चाहिए। अगर भोजपुरी के पुस्तक छपे खपे लागे तो एकरा साहित्य के विकास होखे में देरी ना लागी। वहां का साफ स्पष्ट कहले बानी, सबसे वहां का रहे कि जौन भोजपुरी के बढ़ावल जरूर, वहां का कहने की ठीक बा या अकादमी से मान्यता मिल जाए तो कुछ सहूलियत जरूर बढ़ी, लेकिन जरूरी बा कि जौन लिखाता वो छपे, अच्छा पाता तो उन पढ़ल जाए। तो हम एगो बात कहिला नवीन जी या संतोष जी कि चौबे जी जितना लिखले माने कहले रही जितना लिखले बानी उतना बहुत लोग पढ़ले ना हुई, जितना पढ़ले बानी उतना बहुत लोग देखले ना हुई, हमने देखले नहीं की इतना वहां का पढ़ले बानी। तो हम ही बराबर ही बात कहिला वहाँ के नवीन भाई, बीच में हम इंटरप्ट करें, चाचा जी बोलत नहीं, वहाँ के दिनकर जी के एगो रेणुका के एगो कविता के भोजपुरी के कविता से काउंटर कर ले रहनी, एगो हम रेवा के बताओ तनी वहाँ के ना चाचा जी रेवा याद हो जब वहाँ के चंपारण लोकगीत आर्टिकल में चंपारण के वहाँ के देखी नेटवा के गीत से लेकर आंगन के गीत और थारू के गीत, ये थारू के गीत जौन वहाँ के इकट्ठा कहनी बाद में सिपाही सिंह श्रीमंत जी के बड़का किताब आये थारू के गीत के ऊपर है ना, और ये थारू के गीत के भी जोगावे के काम, यहाँ तक कि वहाँ के एक और बात कह ले बनी कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाओ तो भोजपुरी में चंपारण में वहाँ के लोकगीत के कैटेगरी के कहीं सुन ली, हिंदू लोकगीत, धांगड़ लोकगीत, थारू लोकगीत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुस्लिम लोकगीत, मुस्लिमों लोकगीत, हाँ जी। तो ये और एगो वहाँ के कृषक सुंदरी के एगो जैसे दिनकर जी कहते नहीं कि अटपटा गीत हो केला मने की रोपा के गीत में वहाँ के कहते नहीं ली राहुल के दो लाइन सुन ली कुछ अटपटा गीत कुछ गाने दो कहता कभी आषाढ़ के इस रिमझिम में धन खेतों में जाने दो और कृषक सुंदरी के स्वर में अटपटे गीत गाने दो। तो कहतनी यहाँ के गाने दो यहाँ के भोजपुरी में काउंटर के करतनी सुनी कि गोरी का एडियन सोभेला रे महावर, नैना रे सोभेला कजरा, रिमी झिमे हो बरी से देव गैले देव, उनऊ के अले कारी बदरा, गोरी के छुटी गेले एड़ी के महावर, नैना के दोह के दहेला कजरा, आ चलबे चलबे रे भौजिया वही देश जहां रहे फूल लाल केलवा, देवर उ तुरा नाही केलवा के पात बिछावा ना लाल पड़ला, आ देवरु हम रौरा सोनिया धारना देवर लाल पलंगा, हाँ पालंगा, तो देवरु तुहु हार जांग के जवनिया तो हम हारी बाला जियरा, देवरु हार गईले जांग के जवनिया तो हम हारी बाला जियरा। ये तरह से वो काउंटर भी पहले बनान माने हिंदी के तुलनात्मक रूपा कहनी है ना वहाँ के ठीक पाता नहीं कि आलोचना के सूत्र, अरे आलोचना के सूत्र चौबे जी लगे रहे तबे
आगे बढ़ल बनी आदरणीय ब्रजभूषण मिश्रा जी, हमी के भोजपुरी के स्थापित आलोचक में आज के समय के एक स्थापित आलोचक नवीन जी वहाँ के आलोचना पर हम काम कैले बनी। ब्रजभूषण मिश्रा जी के अपने सामने एगो सवाल बटे सुनील कुमार पाठक जी पूछ रहे बने की चौबे जी पर जो शोध कार्य हो रहा बा केकरा गाइडेंस में हो रहा बा ना उ तो गाइडेंस है चूंकि भोजपुरी विभाग बिहार विश्वविद्यालय में एगो जयकांत सिंह बारन तो उनकरे अधीन होता तो हो गई पीएचडी अवार्डेड बा अवार्डेड हो गई पीएचडी वो लेक्चरर के भी कैंडिडेट अभी वैकेंसी निकलल बा तो लड़का चूंकि वो चौबे जी के घर के बहुत नजदीक है। एगो बात और नवीन जी हम कहे के चाहतनी हम अपन रिलेशन के बात है ना रिलेशन इन द सेंस कि संतोष चंपारण के हमन आ चौबे जी चंपारण के हम मुजफ्फरपुर जिला के आदमी है लेकिन हमारा यहाँ से चौबे जी के घर हमारा यहाँ से चौबे जी के घर 14 माइल बा 14 माइल आज संतोष के हमने पूछा था कि 25 माइल 30 माइल से ज्यादा हुई 50 माइल हुई तो ऐसे हम कहनी है कि हम ओहू से नजदीक मानी। एगो टाइम रहला जब हम पतरातु थर्मल से बदल के कांटी थर्मल हम आ गईनी मुजफ्फरपुर तो चौबे जी शायद कौनो ऐसा महीना रहे कि चौबे जी हमारा आवास पर आके एक या दो दिन नाच करत रहे तो ई हमारा सौभाग्य मिलल बा। वहाँ का साथे हमरा रेणुकूट के यात्रा सम्मेलन में रांची के यात्रा कलकत्ता के यात्रा ये सब कैले बनी हम वहाँ का साथे। एक बात ये रहे कि वहाँ के जब होके तो कुछ ना कुछ साहित्य के बात होके वहाँ कहीं ऐसे काम करे के चाहिए वैसे काम करे के चाहिए तो ये आलोचना के रूप बा एक लेख चौबे जी के कोई लेख मत पढ़ल जाए एक वो हिंदी में वहां के लेख बा भोजपुरी लोक गीतों का अलंकरण। अच्छा जी जे दरभंगा से शंकर झा नाम के आदमी संपादित कैले रहन अच्छा किताब के तो उमे तीने गो लेख रहे तीने आदमी के तीन गो लेख के पूरा किताब बा उमे मैथिली भाषा में शंकर झा के लेख बा जी जे ओकर संपादक बन भोजपुरी के पंडित गणेश चौबे के लेख बा संथाली में डॉक्टर डोमन साहू समीर के लेख बा चौबे जी ओमे भोजपुरी के पक्ष ओह ढंग से रखले बारन कि रउआ पढ़ब तो रउआ बुझाई कि अब एक हम कई बार और पढ़ी ओमे काका चीज ओमे बा वहाँ के कैसे पकड़त रही बात कि वहाँ के गांव में क्योंकि वहाँ का जमींदार परिवार के रही वहाँ के कहत रहे कि सबसे मिश्र जी ब्रजभूषण जी हम सबसे कम पढ़ल लिखल आदमी बनी अपना खानदान में। अच्छा तो हम कहें कि कैसे कहता नहीं अपने कम आ तो हम मैट्रिके नु हई आ हमारा यहाँ देखी कि हमारे भाई लोग एगो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बारन एगो कौन प्रिंसिपल बारन इंजीनियरिंग कॉलेज के दामाद डॉक्टर बारन एगो दामाद मजिस्ट्रेट बारन संतोष जी के एरिया के हवन बगहा साइड के मिश्र जी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट एगो बेटा इंजीनियर बा भतीजा लोग इंजीनियर बा पर्सनल मैनेजमेंट के जानकार बा हम तो मैट्रिके हैं तो हमारा उतना ना बुझाए लेकिन वहाँ का ये बात कहनी हम कौना बात पर शुरू कर नहीं हम कि जौन आलोचना के जौन दृष्टि बा चौबे जी के ओमे हम तीन चार गो आलोचना वहाँ के दृष्टि हम देखत हूँ। एक वो तबा की समाज शास्त्रीय आलोचना समाज शास्त्रीय दृष्टि से वहाँ का देखत नहीं अब एक वो वहाँ की यहाँ मालिक सरकार वहाँ के कहल जात रहे कहे कि जब पिताजी वहाँ के मरनी तो वहाँ का नौकरी छोड़ करके खेती करे ला आईनी आ खेती करे ला आईनी तो वहाँ के मालिक सरकार लोग कहे वो गौवा में तो एक आये तो कहल जे तोर पतो आयल बारी बिया बेटा के बियाह कैले है सब बढ़िया से रहता नु तो कहलस जे उ तो पट सुनरी बनल रहती है
तो अब चौबे जी पटसुनरी शब्द के पकड़ ले लन करें देखी कि कहां से पटसुनरी कहते के मतलब बाकी रंग मंच से मतलब बा जे रंग मंच पर सज के कोनो औरत जैसे आवल वैसे ही पटसुनरी कहता तो देखी कि कैसे लोक में ही पटसुनरी शब्द पे हम भइल बा कैसे लोक वाला आदमी कम पढ़ल लिखल औरत कैसे ओकर चर्चा करता पटसुनरी के तो ए तरह के बात वहां का पकड़त रही वहां के जौन भोजपुरी प्रकाशन के सही बरिश बा ओकरा के देखे जाई तो ओकरा में सूत्रात्मक आलोचना बा एक लाइन में वहां का ऊपर टिप्पणी कर देता नहीं कि एमे ई चीज बा एकर विशेषता बा चर्चा संतोष भाई ये से कल चाहत रहनी है कि बहुत जरूरी किताब हटे भोजपुरी प्रकाशन के सही बरिस संभवतः भोजपुरी भाषा पर जे काम करे वाला लोग बटे चाहे भोजपुरी भाषा के जे आलोचक बटे जे भोजपुरी भाषा के भाषाई स्वरूप के विरोध करेला वो लोगन खातिर भी ये किताब बहुत जरूरी है। चाचा जी ये किताब से जुड़ल कोनो संस्मरण होके रुआ लगे गणेश चौबे जी से चर्चा कुछ बात है किताब के लेके भाई लोग तो तनी कुछ प्रकाश डालिए पो जी। देखिए ओमे वहां का जैसे कि जहां से भी पता चलत रहे वहां का नोट कर रही एक तो पहले आदान प्रदान के बात रहे लोग जे लिखत रहे जानत रहे कि चौबे जी सबको नोटिस लीला तो लोग अपन किताब भेजे आ जे ना भेजे ओकरा से वहां का सूचना मांगी कि उन्हें करी रुआ यहाँ कोनो किताब निकलल बा तरुआ दी तो मैंने 1883 से लेके 1983 तक के सब के वहां का एक संकलन कही 1983 से 1993 तक के भी वहां का संकलन कही नहीं जौन हमारा पास फाइल में अब बा वहां का हमारा के दे दिले रहे बा हमारा पास तो वहां का एक ले रही ओकरा बाद का कह जाला कि जो टाइम टू टाइम अजोर में वहां का लिखत रही ये बात पर जब अजोर वाला रमदरेश्वर साहेब वहां से लिखवाई या फिर बनारस से जोन राधा मोहन राधेश जी पत्रिका निकालत रही उसमें भी वहां के जनपद में निकलत रहे सबसे सब बड़ सवाल बा कि चौबे जी के जोन लेखन बा कि उस समय के जितना बड़ा अखबार जितना बरहन पत्रिका बा उस सब में छपल बनी वहां का चाहे विशाल भारत होके चाहे माधुरी होके चाहे आज होके चाहे आजकल होके आजकल में 1945 वहां के लिख छपल तो उस समय से वहां का लिखत हूँ हाँ हाँ नवशक्ति रहे साहित्य रहे पाटन रहे ये सब रहे जी जी हाँ हाँ तो उस सब में वहां का छपत रही तो रहे वहां का पूरा बात के कहत रही जब कोई किताब ना देत रहे तो ऊपरा से पैसा ले दे के खरीदे के चाहत रही या उस क्षेत्र के कोई मिल जाए तो ऊपरा से पूरा ऊपर सूचना एकत्र वहां का करत रही ये प्रक्रिया रहे वहां की जी अथी वाला भी हम देखनी जे लौकिक कोश जौन बनल भोजपुरी हिंदी कोश ओकर वहां का फूले निसाधारण ओरिएंट पेपर पर ओकरा के टुकड़ा टुकड़ा बना के ओमे शब्द लिख लिख के रखले रही वहां का सबको बनौले रही वहां का हमरा के जब देनी तब पूरा स्वर वर्ण वाला के हम एक एक करके हमरा सुखावे के पड़ल तब ओकरा के फिर हम लिखनी काहे कि बहुत पहले के काम कर रहे वहां त चूंकि चौबे जी एक दिन बैठनी ना लगातार वहां का काम करो हमने के लगभग एक घंटा बताई हो गई बा एगो सवाल बड़ा मतलब हमारा मन में ये बात हमेशा आवेला चूंकि रउआ हमारा का टोकले बनी यही कुछ वही से जुड़त सवाल भाई हमने के जब भोजपुरी साहित्य के भोजपुरी भाषा के बात करें जब संतोष भाई ये सवाल हम पहले रउआ से पूछब कहे से कि रउआ शोधार्थी हई या वर्तमान के भी बहुत बढ़िया से देखा तनी चाचा जी ओकरा में टोक लगाई अगर कुछ एने ओने हो तो उदय नारायण तिवारी के नाम आवेला कृष्णदेव उपाध्याय के नाम आवेला दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह जी के नाम आवेला पंडित गणेश चौबे जी के नाम कहे ना आवेला बहुत जगह हम किताबी में पढ़ले बानी ये किताब में देखी रुआ जाना तनी चाचा जी जाना तरह हमहू अब जाने लागल बानी लेकिन एगो सामान्य रूप से रुआ भोजपुरी के इतिहास चाहे भोजपुरी साहित्य के बात करी तो ये तीन लोगों के जरूर आवेला भोजपुरी भाषा और साहित्य के वजह से उदय नारायण तिवारी जी के नाम आवेला भोजपुरी लोकगीत के वजह से उपाध्याय जी के नाम आवेला भोजपुरी के कवि और काव्य भोजपुरी प्रकाशन के सही बरिश जोन बाटे भोजपुरी के कवि और काव्य से इचको कम ना मनाई हमारा देखे से बाकी पंडित गणेश चौबे जी के नाम काहे ना सोझा आवेला बहुत कम लोग
ओमें एक चीज अब और हमनी छोड़ रहल बनी, जब सिवान में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन भई रहे तो वहां के एगो भोजपुरी भाषा की भोजपुरी भाषा के समस्या या समाधान वहां के 8 लेख के एगो किताब छपल बा, ओकर कोनो चर्चे ना होके केहू करबे ना करे। हाँ नवीन भाई, एकर जोन हमरा बुझाता, देखी हम एक बात से शुरू करे के चाहता है। यहाँ के इतना विलक्षण प्रतिभा के धनी रनी उस समय के जौन समय के यहाँ के मैट्रिक रनी, उस समय लोग उम्र अगर मैट्रिक पास आदमी एमए से ऊपर मानल जाते रहे आज के एमए के। और देखिए बात डिग्री के ना होखेला, बात वो आदमी के अंदर भोजपुरी के कितना जिजीवसा रख, भोजपुरी भाषा के जे तरह रउआ खानी पिए नी सूते नी भोजपुरी थोड़ा बहुत रउआ से हमियों के प्रभावित रह जा, तो वो तरह के जिजीवसा वहाँ के अंदर रहे कि भोजपुरी के हम संग्रहण ए तरह क दी एकर साहित्य के। इतना नर्देश्वर चतुर्वेदी जी, शायद नर्देश्वर चतुर्वेदी जी जे अजोर के रनी हाँ चाचा जी, नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी परशुराम चतुर्वेदी के फैमिली से रही हैं, अजोर पत्रिका के संपादक पांडे नर्मदेश्वर सहाय। ना हम नर्देश्वर पंडित नर्देश्वर चतुर्वेदी के बात कोट करतनी कि वहाँ के कहनी है चौबे जी साहित्य सृजन के साथ साथ पारंपरिक रचना के संरक्षण में भोजपुरी साहित्य के भंडार भरे कतरा नया नया पुराना पांडुलिपि के साथ साथ नया नवोदित लोक के बहुत प्रमोट करी। दूसरा 1989 में विश्व भारती शांति निकेतन में पूरा दुनिया के वर्ल्ड फोकलोर कांग्रेस के अधिवेशन होत रहलक। वो अधिवेशन में गणेश चौबे जी इतना भोजपुरी के लोक साहित्य के इतना विस्तार से ओजन ब्रखनी कि ओजन जोन एक विदेश के बहुत बड़ा विद्वान आए रहलन उहे ओकर अध्यक्षता करतलन। और 11वां ओकर नाम रहे माने कि 11वां इंडियन फोकलोर कांग्रेस ओकर अध्यक्षता करतलन डॉक्टर जे हंडू। तो डॉक्टर जे हंडू का जे हंडू ओकर जनरल प्रेसिडेंटे रहस फोकलोर सोसाइटी के, हम ओ अधिवेशन में रही साथ से। हाँ हाँ हाँ, तो कॉल है कि जिस समय चौबे जी ने लोक वार्ता पर कार्य प्रारंभ किया था, मैं दूध पीता बच्चा था, माने कि ओबरा कहता सत्य ही चौबे जी 1932 के लगभग से ही लोक वार्ताओं का संग्रहण प्रारंभ कर दिया था और 1941 में भी उनका प्रथम लोक वार्ता विषयक लेख प्रकाशित हो चुका था। उसके बाद पंडित जी अनवरत अनथक लेखन करते रहे और चौबे जी ने जितना लिखा है बहुतों ने उतना पढ़ा नहीं होगा, जो कि अभी ब्रजभूषण चाचा जी कह रहे थे, और जितना पढ़ा है बहुतों ने देखा नहीं होगा जी। ये हंडू कहता है। संतोष जी, संतोष जी या नवीन जी, हमें बात में थोड़ा सा क्लियर है, एगो बात करे के चाहतन। जी जी जरूर। हम जौन लेख लिखले बानी भोजपुरी लोक में, भोजपुरी पंडित गणेश चौबे का अथी में, भोजपुरी माटी में, भोजपुरी माटी में एगो लेख लिख रहे हैं जो पूरा रपट रहे छपल रहे में हम लिखले रही ओकरा से लेके विलास तिवारी भोजपुरी लोक में ओकरा के कोट कर देलन अपना तरफ से। ओमें हमर कहीं रेफरेंस नहीं के, ओमें हमर कहीं रेफरेंस नहीं के, लेकिन लिखा था भोजपुरी में। कृष्णदेव उपाध्याय जी के भोजपुरी साहित्य के प्रथम इतिहास लिखनी माने कि रिकॉग्नाइज रूप से ओकरा बाद भोजपुरी साहित्य पर, भोजपुरी लोक गीत पर वहाँ के रलख काम ओई तरह रहुआ। अभी कने उदय नारायण तिवारी जी के रलख भोजपुरी भाषा साहित्य के ऊपर, ओई तरह रहुआ दुर्गा नाथ जी के। अनफॉर्चुनेटली एक हमरा कहे में कोनो गुरेज नहीं है कि
जितना कंपाइल्ड काम रलख है ना उकरा वॉल्यूम वाइज निकले के चाहत रहे गणेश चौबे जी के जी बिल्कुल, ताकि स्कॉलर और हमी जैसा नवोदित जी लोग बा काम करता सुधार्थी बा रहुआ जैसा देवेंद्र जी जैसा और भी लोग बहुत जे बा उ लोग जे काम करत रहन वो लोग के सामने वो पूरा अगर कंपाइल्ड काम आई रही और थोड़ा ऊपर चर्चा होगी तो हम सौभाग्यशाली ऐसे बानी कि हम एमए पूरी एगो बड़ा आर्टिकल पढ़नी और हमरा बुझाता ये ब्रजभूषण चचा के योगदान हुई कि भोजपुरी भाषा के ऊपर वहाँ के वो आर्टिकल के दे देनी जी। इतिहास के हिस्टोग्राफी के भी सूत्र बा नवीन भाई वहाँ के वो आर्टिकल में हम रहुआ के भेज दे पीडीएफ भेज दे खैर तो वो जोन कंपाइल जोन काम जोन हमी के सोझा वहाँ के नाम से ना आये ना वो कंपाइल्ड काम के चलते कहे से कि देखिए आम मनई के लगे सोर्स बाटे ना पढ़े के जोन रिसोर्सेज बाटे उ रही तब वो आज भी रहुआ गणेश चौबे जी के ऊपर रहुआ जाई और सोशल मीडिया में या गूगल में करी तो दो या तीन या चार गो आई चीज बस ओकरा ज्यादा ना आई तो कंपाइल्ड काम अगर आए गई तो अब जैसे शोध भइल भाई साहब वो शोध कलन एकरा पहले हूं एक आदमी शोध करत रहे उ लइकुए बिला गेल पता नहीं कहां गायब हो गेल वो चंपारण के रामगढ़वा करे ई रामगढ़वा के नानू रहे केसरिया पटना के रहे हां सिसुआ पटना हां केसरिया के रविंद्र रवि रहे हां रविंद्र रवि वो कहां चल एगो एगो तो हमर ए वो गायब हो गेल या मारल गेल हां एगो गोपालगंज के एक जने रहन जे हमर किताबे सब लेके चौबे जी वाला गायब हो गए आ उ रिसर्टेशन करत रह त हमरा के आधा सीधा देलन आधा सीधा रख लेलन सब हां तो ओ तर माने बाटे देखी चीज च कंपाइल भ नवीन भाई लेकिन कंपाइल्ड हो के सामने ना आई और बहुत कुछ चीज बरे हुआ बताएं लोरिकायन वहां के आर्टिकल ब पढ़ेम ना तो लोरिकायन के माने दाऊद के जोन बाड़े ना मौलाना दाऊद के चंदायन बा ओकरा तुलना में लिया के तरह तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी पुट रखले बनी गणेश चौबे जी के रोवा हमी के पढ़े के चाहिए लोक गीत लोक साहित्य अच्छा जोन कृष्णदेव उपाध्याय जी लोक गीतन पे काम कइले बनी भोजपुरी लोक गीतन में ओकरा से 10 गुना बड़ा काम बाटे रोवा बताओ तनी गणेश चौबे जी के लेकिन हम रोवा के जोन चीज बतानी जोन मूल चीज बाटे ई बा की कंपाइल्ड काम पब्लिश्ड काम और वहां के गैला के बाद जे जे लोग जे तरह से सामान लेलक हाँ गणेश चौबे जी के एक लाइन दो लाइन में लोग मैंने सभार या भार या वहां के समर्पित लिखले बा जैसे अब पूरा किताब रोवा देखिए कि धर्मेंद्र ब्रह्मचारी के इतना मोटा किताब वो सब गणेश चौबे के देन बाटे संकोच बा लेकिन मूल मूल जोन हमी के जोन जना के मेन स्ट्रीम भोजपुरी के कहनी ओमें गणेश ये चीज के चलते रोवा बताओ तनी कि हम 2012 से हम वहां के जन्मदिन पर काम करल शुरू कर देनी ये साल कोरोना काल रलख तो हम ना ज्यादा एथी करनी अब विश्व भोजपुरी सम्मेलन में नाम के लेनी कई लोग पूछलक हमरा से हम बताऊ नी एकरा चीज के ब्रजभूषण चाचा जी भी एक्नॉलेज करें तो इस जरूरी बाटे आज रहुआ चर्चा कहनी हमी के एकर पार्ट बनी सन हमी के गर्वानित बनी सन अपन पुरखा के ऊपर बात करतनी सन और भोजपुरी के एगो ऐसा व्यक्ति के जे एगो अपने आप में संस्था रहे जे अपने आप में एक मूविंग लाइब्रेरी रहे जे अपने आप में एगो एगो इंसाइक्लोपीडिया रहे हम उनका के इंसाइक्लोपीडिया कहनी एक आदमी लिखलक कि फलनवा जन रलवन एगो एगो तिवारी जी रलवन जमशेदपुर के डीएसपी रलवन कौन भैया भाई जी भोजपुरिया तो उ कलन ए उकरा के एगो भोजपुरी के एगो पत्रिका चलाओ तनवन कुलदीप जी भोजपुरी का नाम रहे ओकर तो उ पत्रिकवा में लिखलन भोजपुरी के इंसाइक्लोपीडिया हम कने पगलाइल बड़ो इंसाइक्लोपीडिया हुआ ना जनक हम कने जनक उनक तो तू मत कह भोजपुरी के अगर तू कहब अगर कोई आदमी के एक माने की इंसाइक्लोपीडिया तो हम कह तनी अभी आज के भी डेट में गणेश चौबे के इंटेलेक्ट के उनकर कंपाइलेशन के उनकर संग्रहण के उनकर शब्दकोश के ऊपर ग्रामर के ऊपर जानते हैं जॉन रवा भोजपुरी भाषा के लास्ट बात कर दे लास्ट में भोजपुरी भाषा के व्याकरण भी लिखो विनाचल प्रसाद श्रीवास्तव से तो ओमे
सबसे बड़ा योगदान जोन बा गणेश चौबे जी के बा। अब बात के कहे में देखी दू गो चीज बटे बात साइल हटे। ये बात के कहे में कोनो गुरेज नहीं है कि भोजपुरी में ये वो ट्रेंड हमेशा रहल बा कि केहू के इंटरनेशनल साहित्यकार आ केहू के इंसाइक्लोपीडिया कह दिया जाओ। पांच छह लोगन के हमू जानता नहीं जेकरा के इंसाइक्लोपीडिया कहला। खैर ई बात सही बटे चाचा जी। देखी हम बार बार ये बात किए से कह रहल बानी चाचा जी रो बानी ना लाइव। हां बार बार ये बात के ऐसे कह रहल बानी कि यदि देखल जाओ अगर भोजपुरी में रुआ देखी तो भोजपुरी के इतिहास मतलब भोजपुरी भाषा के इतिहास, भोजपुरी प्रकाशन के इतिहास, भोजपुरी लोक गीतन के इतिहास, भोजपुरी शब्दकोश पर काम, भोजपुरी व्याकरण पर काम, एकर अलावा अन्य भाषा पर काम करे के जो टोटलिटी बा समग्रता जो बटे तो उदय नारायण तिवारी जी खाली साहित्य पर काम के लिए बनी। भोजपुरी भाषा और साहित्य भाषा के एगो वैज्ञानिक पक्ष पर काम के लिए बनी। वहां पे कृष्णदेव उपाध्याय जी लोक गीतन पर काम करे नहीं या लोक गीत से जो ब्रांचेस शाखा निकलत रहे ओकरा पर काम के लिए बनी। जब दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह जी के पास आवल जी तो यहाँ के एगो 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 सीमित दायरा में काम के लिए बनी। लेकिन गणेश जी के बहुत बृहद दायरा रहल बा। लेकिन अफसोस के बात बटे कि हमनी के दायरा से आम भोजपुरिया लोगों के परिचय नहीं है। आज ये बात कही के उद्देश्य भी ये रह लटे फॉर्मेलिटी ना निभा के हमनी के कोशिश ये लटे कि जोन मैसेज गणेश जी दिहल चाहत रहनी हटे अपना समय में भोजपुरिया लोगन खाती कहीं ना कहीं मैसेज जोन बा आज जे हमनी के आखर के माध्यम से जुड़ल बटे ओकरा मिले। चर्चा के हम अब आगे लेके जाए चाहब हमनी के लगभग सवा घंटा बत कही हो गई बटे। संतोष भाई एगो किताब बिया भिखारी ठाकुर पर लिखाई बिया संजीव के सूत्रधार है। सूत्रधार उपन्यास जोन बटे रुआ पढ़ले ऊपर बटे हम लगे पढ़ले बन जी ओकरा में एक जगह चर्चा बटे पेज नंबर 303 पर बहुत पहले हम रुआ से चाहत रहिए पर चर्चा करे के। लेकिन अब चूंकि आज गणेश चौबे जी पर बात होता टे पेज नंबर 303 पे एगो चर्चा भइल बटे जहां पर गणेश चौबे जी के माध्यम से ई कहल जा रहल बा भिखारी ठाकुर बैठल बाड़े सभा में आ गणेश चौबे जी मंच से कह रहल बानी कि भिखारी ठाकुर के काम जोन बाटे तो मौलिक नहीं है। में लिखल बा कि भिखारी मौलिक नहीं है। ई एगो स्टेटमेंट जोन बा गणेश चौबे जी के माध्यम से सूत्रधार में लिखल गई बटे। ई कबर हुआ सब एकरा पर ध्यान देले बनी सबे कि ऐसन मने ये संजीव कहे कारण हो सकेला का। संतोष जी पहले बोल लो तू तो हम बोलो जी। संतोष भाई हमर बात ना बोलले ना ना बोलो ना बोलो ना संजीव कहो तरण ई बात सत्य कहां तक कहले लेकिन हम समझ गए नहीं रेवा का कहत ना ना हम पढ़ दे तनी वो लाइन के। संतोष भाई लिखल बा भिखारी जरा देर से पहुंचे हैं मंच पर इस समय जाने माने विद्वान गणेश चौबे का भाषण चल रहा है। कई कुर्सियों के बीच एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं। बड़े भारी विद्वान हैं चौबे जी कान उधर ही रोप रखे हैं जबकि नजर चारों ओर घूम रही है। अचानक एक वाक्य कान में तेजाब की बूंद सा टपकता है भिखारी मौलिक नहीं है। हाय राम चर्चा उन्हीं पर चल रही है। गणेश चौबे जी आगे बोलते हैं यह जो विदेशिया है इस पर प्यारी सुंदरी वियोग से लेकर दूसरी चीजों के प्रभाव हैं। कथा सूत्र भी मौलिक नहीं। भोजपुरी की छोंक बघार को छोड़ दे तो इसमें तुलसी से लेकर आज तक एजा मने कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में लिखा था रे ठीक बा आपन जस्टिफिकेशन बा। लेकिन संतोष भाई रउआ ए उपन्यास के पढ़ले हो तो रउआ का लागल हो मने राउर का एकरा पर सोच बाटे जी। अब ये जोन प्रश्न बाटे इस प्रश्न के का तथ्य और एकर कहां से रेफरेंस उठा के ई बात के लिखले बड़न ये तो संजीव ही स्पष्ट करी है पहला बात जी। दूसरा बात कि एकरा के हम एक बार कहनी है तो ध्यान दे के बहुत पढ़ लेता नहीं जी जी। और कोशिश कर तनी हमरा लगे बात सूत्रधार हम पढ़ ले भी बानी लेकिन बहुत दिन हो गए हम ओकरा ऊपर फिर कभी चर्चा हमरा ले लेम तो हम एकरा ऊपर काम कर लेते नहीं हम ऐसे ई बात ध्यान में आइल हटे। देखिए रवा दो दिन पहले अब रवा एक छोटा बात बताते हैं। दो दिन पहले भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के किताब भिखारी ठाकुर पर आई देलक ठीक बा जी जी। रवा पूरा किताब उठा के देख ली वहां के कहीं भी वहां के मौलिकता पर प्रश्न नहीं उठेले ठीक। भिखारी ठाकुर के मौलिकता पर सवाल उठिए ना सकेला बाकी ना एक बात
ना ना बताओ तनी बताओ तनी बताओ तनी वहाँ के कहीं भी नहीं कि कहले कि वहाँ के जाके महेंद्र मिश्र की यहाँ झाल बजा के या गाना गाय के सीखतो रहनी यो के नहीं कि कहले पूरा किताब में। लेकिन अभी जब 10 साल बीत गए के बाद किताब अला के 10 साल बीत गए बाद वहाँ के मोनोग्राफ लिख ले बनी राउर म्यूट हो गई बेटे संतोष भाई म्यूट म्यूट हो गई बा अनम्यूट करी राउर आवाज नहीं क्या हो संतोष भाई म्यूट हो गई बा आवाज गायब हेलो बोली संतोष भाई बोली हाँ हेलो हाँ बोली अब बोली आवाज नहीं क्या आवाज रहा बोलो क्या अब आवाज था आवाज था बोली हाँ मिला था मिला था मिला था बीच में ना मिला हाँ मी को आवाज नहीं है ना कि देखिए अब अभी वहाँ के मोनोग्राफ में लिखनी आप लास्ट पेज में जाके लिख ले बनी हम ओकरा के देखत रहनी कि भाई वहाँ के एजेंट जाके सीखत रहनी हम ठीक बा हम कहते नहीं कि भाई रउआ लिखी रउआ लगे रिफरेंस हो जरूर हो ऊपर रउआ के क्लैरिफाई करें कि रउआ 10 साल पहले एक प्रासंग एक पूरा रउआ किताब लिखनी पूरा कुछ तो ओबरा रउआ सूत्र ना मिलल हो सकता 10 साल बाद रउआ सूत्र मिल गए लोग की तो वो स्पष्ट करे के चाहिए कोई भी रचनाकार संतोष भाई वो चर्चा देखी अब अलग अलग किताब में अलग अलग ना एक राइटर मान ली हम राइटर बने ना ना हम हमार कहे के मतलब ये बटे ना ना हमार कहे के मतलब ये बटे कि भिखारी ठाकुर पर लिखाइल ई उपन्यास सूत्रधार जोन बटे हमरा देखे से सबसे ज्यादा अदर देन भोजपुरिया लोग जे बटे वो लोगन के बीच भी अकादमी पुरस्कार भी मिलल बसाय दे किताब हां हां ओ तो ई तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट के तहत काम भइल बा हां अब ई माने ई एगो बहुत बड़हन एकरा में ई संजीव जोन बारे एगो बात कह रहल बारे हमरा मतलब हम जब पढ़नी था तबे से हमरा दिमाग में रहे हम बात करी चाचा जी से रउआ से संतोष भाई चाचा जी विशेष रूप से बता दे हमें के उतना जानकारी नहीं के जैसे चाचा जी हमेशा वहाँ के संपर्क में रहनी तो हम बहुत आदर के साथ कहतनी कैसे वहाँ के प्रति हमार बहुत ही एक तरह से श्रद्धा कहनी प्रति हमें के आलोचक के पहले तो ये प्रश्न के उत्तर हम नवीन जी दे दिलुगा के जो संजीव वाला रहुआ कहतनी हनु पंडित गणेश चौबे बिहार विश्वविद्यालय में जब भोजपुरी के 72 में पढ़ाई शुरू होता तो जो सिलेबस कमिटी बनता पाठ्यक्रम समिति ओकर सदस्य रहतन आ वहाँ का वो जो पद संग्रह बनता आ गद संग्रह बनता तनों के संपादक मंडल में बानी वो में भिखारी ठाकुर के रचना शामिल होता आ सारा सामग्री रिपुसूदन बाबू आ सिपाही सिंह श्रीमंत अश्विनी कुमार आंसू का माथा पर बोझा बांध के चौबे जी की यहाँ से लोग छाट के लिया होता आ उमे परता उमे महिंदर मिश्र के रचना शामिल नहीं के लोग करत खाली भिखारी ठाकुर के रचना शामिल होता जी। हम कहनी हम ये कहता नहीं कि 1980 से 97 तक चौबे जी से शायदे कौनो ऐसा महीना एथी होई जावना में हमरा संपर्क नहीं के भेंट नहीं के बात नहीं के सब दी होत रहल बा कई कई दिन साथे रहल बानी कभी भिखारी ठाकुर के बारे में एक शब्द वहां का ऐसा कौनो बात नहीं थी कहले। दूसर बात हम एक बात कहनी हाँ कि जो चौबे जी सहृदय आलोचक हैं सहृदय आलोचक के गुण हा कि अगर ओकरा कहीं विवाद भी बा कोनो पर या ओकरा पसंद भी नहीं के या चाहे वो में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करे के चाहता तो वो सीधे सीधे ना करे चोट ना करे ओकरा के ढंग से पूछला जिज्ञासा करके पूछला या ओकरा के कहला चौबे जी के विशेषता बा कि वहां का कभी केहू के हर्ट करे वाला लाइन नहीं की बोलल ना बोलत रहल बानी कभी ना सही एकर हम दावा के साथ कह सकतानी हो सके जे संजीव जी एगो ओमे अपना उपन्यास में एगो घटना दे करके आप भिखारी ठाकुर के चरित्र के बढ़ावे ला ऐसा होला कैले होखस
कि एगो दे दिया ही तरह संघर्ष देखावल जाई तो वो जो किरदार जे बा से बरहन हो जाई ई घटना एगो बनावल लोग। दोसर कि हम सब लेख तो नहीं की पढ़ल चौबे जी के, लेकिन हम सैकड़न लेख पढ़ल बानी वहां के आ एमे कहीं पर वैसन कोनो बात वहां का नहीं की कही। 400 लेख करीब 350-400 वाले वहां के विभिन्न पत्र पत्रिका में अंग्रेजी भोजपुरी या हिंदी में छपल बा। ई बात जाने की चाहिए ओकर कोनो पुस्तकाकार कुछ मने समझी तो नहीं खे आए। हम इन्हें एगो काम रहुआ लोग के सूचना ये है आखर के माध्यम से देवे के चाहता नहीं कि 3 गो किताब एडिट हम कर देले बानी वहां के 7 गो अंग्रेजी लेख के एगो किताब अर्थ टोन ऑफ भोजपुरी। अच्छा। हिंदी में वहां के 12 गो आलेख के एगो संग्रह भोजपुरी लोक का सौंदर्य। अच्छा। और तीसरा सोने फूल फूले उनका करीब 10 गो भोजपुरी आलेख के संग्रह। ये 3 गो एडिट करके लेकिन एगो प्रकाशक यहाँ स्लॉटर हाउस में बात जहिया निकाल देवे हम बानी की अब दे देवे वापस तो हम ओकरा के अपना दूसरो जगह छपवा दी। ये काम 3 गो हम कैलिया उन पर करीब 30 गो आलेख एक जगह पर हम अंग्रेजी हिंदी भोजपुरी में हम खोज के हमरा जहां तक भइल हम ओके कदले बनी। तो हम ये कहते हैं ताकि चीज आवे कि हाँ कौना तरीका के चौबे जी काम कैले बन। बिल्कुल रह गई बात की जोन चर्चा रहुआ कहनी है पहला क्वेश्चन रखा संतोष से कि चर्चा कहे ना भइल चौबे जी के। ये बहुत दुर्भाग्य के बात बा जोन चौबे जी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करेला उदय नारायण तिवारी के तैयार करता नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के तैयार करता नहीं, और वो लोग उनकर बात मान के स्वीकार करता कि हम भोजपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता करब। वो आदमी के चर्चा काहे नहीं किए। हम नवीन जी परमेश्वरी लाल गुप्त के हम चौबे जी के बारे में का उनकर योगदान बा हम थोड़ा सा पढ़े के चाहता नहीं कि ये सब बखान कि भोजपुरी आंदोलन के शुरुआत करे के श्रेय परमेश्वरी लाल गुप्त पंडित गणेश चौबे के देता रहन। लिखता रहन कि ये सब बखान करे के मतलब इतने हवा कि चौबे जी भोजपुरी कब आंदोलन भोजपुरी का आंदोलन शुरू करे खातिर पहले पहले आगे अले भोजपुरी के आंदोलन शुरू करे खातिर पहले पहले आगे अले ओकर अगुआ बनले। ओह दिन से भोजपुरी आंदोलन जब जैसन रूप लेले चौबे जी ओकरे साथ रहले ओकर अगुवाई करत चलने बाकी एक काम कबो ना कइलन। आजकल के भोजपुरी के सभी लोगन की तरह भोजपुरी के नाव पर हिंदी शब्दन के साथे भोजपुरी क्रिया जोड़ के भोजपुरी के नाव पर कविता कहानी कबो ना लिख ले ओके भोजपुरी के दर्जा कबो ना दे ले ऐसन लिखाई से दूर रही के जिंदगी भर एक रस हो के गवाई गवाई के लोगन के कंठ में समायल गीत गान कथा कहानी बुझाऊल कहाउत और ही तरह के जवन चीज उनके दिखाई वो सबके जुटावे में लगले जुटावत रहले वही में भोजपुरी के बढ़ौती मन ले। परमेश्वरी लाल गुप्त की कथा है जे बाद में आज के चल के संपादक बनता। सवाल बाकी चौबे जी कभी अपना नाम के फेर में ना रह। चौबे जी के कायदा से अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 5वां अध्यक्ष होके के चाहत रहे लेकिन बनलन 9वां अध्यक्ष। आ जब 9वां अध्यक्ष बनलन तो जब उनका नाम तय भइल उनका से बहुत जूनियर लोग अध्यक्ष हो चुकल रहे हम नाम के ना लेवे के चाहत नहीं तो कहीं ना कहीं पांडे कपिल का मन में शंका रहे पांडे कपिल का मन में ये शंका रहे कि कहीं चौबे जी अस्वीकार न कर दे मना न कर दे। जी 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 आई वो जिम्मेवारी हमारा के दिलन हम पानी हेल के बरसात के दिन रहे हम अंडर बियर पर उनका दूरा गाछी तक गनी ओकर बाद तो फिर पैंट पहन के तब उनका दूरा पर गनी तो कहने जे हम बुझ गनी उनका काहे लाइन रहुए के भिरा देले बा लोग हमी तो हम तो अब आइए गइल बानी तो अपने का तो स्वीकार करहे के परी तो भइल तो एक कुछ शर्त रह तो मान लिया कि चौबे जी के नाम
जे विद्यानिवास मिश्र जी जी टाइम टू टाइम लेत रहल बान, उदय नारायण तिवारी लेत रहल बान, आ कृष्णदेव उपाध्याय भी लेत रहल बान, लेकिन जवना रूप में आवे के चाहिए वो रूप में नहीं आई। एकदम संतोष से बानी कि हाँ भोजपुरी के रेफरेंस ले रहा हूँ, संतोष से हम समर्थ भोजपुरी में उदय नारायण तिवारी भी गणेश चुबे के नाम लेता नहीं, कृष्णदेव उपाध्याय भी ले रहा बानी, लगभग हर मय लोग ले ले बटे, रेफरेंस में फुटनोट में नाव आवत अटे, बाकी व्यापक रूप में जो नाव आवे के चाहिए तो नहीं क्या आई। अब बिल्कुल कहीं लास्ट बात हम कहें मेरे नवीन जी जी कि अब यूजीसी 2009 के गाइडलाइन के हिसाब से जी रिसर्च मेथोडोलॉजी के पढ़ाई कंपलसरी बट पास करे जेकरे भी पीएचडी करे के बा जी भोजपुरी साहित्य के जहां जहां पढ़ाई होता या रिसर्च होता जी वो जन दूर आदमी के किताब के जरूर पढ़े के चाहिए। एक तो गणेश चौबे जी के जो सही साल बा भोजपुरी के ए रिफरेंस खतरा जे भी भोजपुरी के ऊपर रिसर्च करता ओकरा लेवे के चाहिए, कंपलसरी करल जा। दूसरा ये गणेश चौबे जी के ही देवल सूत्र होई जेमे चौधरी कन्हैया सिंह जैसन व्यक्ति इतना मोटा किताब लिखले बणन उहो एगो रेफरेंस बुक बा, बहुत बढ़िया बा, मने रोवा के हम का बताई। तो ओहो किताब के भी आए जे रेफरेंस के रूप में लेकिन के कैसे रेफरेंस लेवे के बा ओजन से ले सकता कम से कम भोजपुरी कहानी के है ना, मने चौधरी कन्हैया सिंह जी के पंडित गणेश चौबे जी के। और लास्ट बात हम और कह के बात खत्म कर दें कि गणेश चौबे जी बहुत बड़ा सेफलोजिस्ट भी रहनी, रवा लोग के नहीं के पता, राजनीतिक रूप से वहाँ के बड़ा समग्र सोच के व्यक्ति रहनी। केदारनाथ पाणे के इलेक्शन में वहाँ के पूरा जांच करके पैदलिया चल के इलाका में आ कौन ये वहाँ के ना बोले में बहुत मिठास रहे, कभी कोई से ना बोले, आलोचना भी बहुत सहृदय आलोचना करी वहाँ के, जैसे रोगा हिंदी में एगो लिखले बानी ना तो भोजपुरी में भी वहाँ के कोट कह के रोगा के बराबर कह दे, अबली वहाँ के झगड़ा ना करे, वहाँ के चीज खोज के दे दे रोगा, अगर लिखनी एगो गीत तो वहाँ के एगो नेटवे के गीत ऐसा दे दे कि अगला सोचे में मने सोच के हाइप करी कि आई दादा ये कैसन चीज ले दिला। तो केदारनाथ पांडे जी के कॉल है कि अब रोगा ए साल ना जीते बाबा, ए साल रोगा हार जाए, साँचो हार गई हनु। तो वहाँ के इहो जानकारी रहे, वहाँ पॉलिटिकली मैंने कांग्रेस खतरे भी काम करत रहनी हो और वोट खतरे भी वहाँ के जाए गांव गांव ऐसा बात नहीं के, ये चीज जो बार राजनीतिक रूप भी एगो साहित्यकार के इहो आए कि चाहे कैसे वहाँ के बहुत बढ़िया कांग्रेस के वर्कर भी रहनी हो। बहरहाल ये बड़ी अच्छा चर्चा रहल और आखिर के हम एगो सवाल भाई बटे चाचा जी भी रउवा खाती भी सवाल बटे कि पृथ्वी राज भैया पी राज भैया जोन बड़े सवाल कर रहल बड़े शुरू से चर्चा में जुड़ल बानी वहाँ के वहाँ के पूछत कि हमरा जैसन बुझात बा चौबे जी के भिखारी ठाकुर को काम कुछ कम बा, का ये सही बात बटे कि ना, तो हमरा देखे बात सही बात वहाँ का जोन भोजपुरी प्रकाशन के सही बरिस बा में जितना भी फुटपाथी संप्रदाय प्रकाशक बा नारायण प्रसाद बुक सेलर महेंद्र प्रसाद बुक सेलर ऊपर कौनो किताब के चर्चा वहाँ का अपना भोजपुरी प्रकाशन के सही बरिस में नहीं की कैले, ओके लिख दिले बानी पहला ही भूमिका में, ऐसे न भिखारी के किताब के चर्चा बना, महेंद्र मिश्र के किताब के चर्चा बना, शिव नंदन के किताब के चर्चा बना, वैसन लोग के चर्चा बा जे कोनो साहित्यिक प्रकाशन से ही प्रकाशित किताब सब बा वो सब के वहाँ के सूचीबद्ध कैले बानी भोजपुरी प्रकाशन के सही बरिस में, वहाँ के भूमिका पढ़ला के जरूरत बा कि काहे ना वहाँ का भिखारी ठाकुर या महेंद्र मिश्र के किताबन के चर्चा कैले बानी, वहाँ के एगो अपन दृष्टि रहे और दृष्टि के हिसाब से वहाँ का काम कैले बानी, बात हुआ इतने यही से। लेकिन ये कुछ चीज जरूर चाचा जी पूछब कि भिखारी ठाकुर पर पर्टिकुलर कुछ काम बटे वहाँ के मतलब कुछ लेख कोनो आर्टिकल गणेश चौबे जी के संतोष भाई ना चलिए अगर ना 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 नहीं के ना भिखारी ठाकुर पर ना महेंद्र मिश्र पर कोनो नहीं के चंपारण के क्षेत्र समग्र रूप से साहित्य जी जी चंपारण के क्षेत्र जो थी वैसे तो सारण के हिस्सा रहे लेकिन बहुत ज्यादा अफेक्ट ना होकर रहे चंपारण के भोजपुरी में काम हो के चंपारण के क्षेत्र के लोग काम कर ले बा, लेकिन
जोन डेवलपमेंट का से संचार के भी उतना साधन ना रख और उतना कोनो टेलीफोनिक भी ना रख और फिर ऐसे देखल जब गौरव बात बटे हम ही कहब कि गणेश चुबे जी के हम एगो चीज दिखावे के चाहता नहीं नवीन जी अगर दिखाई पड़त हो के पढ़ाई तो ना लेकिन ई सब पंडित गणेश चौबे के लिखल लेखन के एगो सूची बा जी जी ई सूची बा कई पेज में बा हरिश्चंद्र साहित्य अलंकार के सूचीबद्ध कैल बा एमे वैसन कोनो नहीं के वहां का समग्र रूप से भोजपुरी साहित्य लोकगीत पर लोक कथा पर या भूमिका के रूप में या समीक्षा के रूप में या कहावत पर वहां का लिखले बानी कोई पार्टिकुलर लोग पर वहां का नहीं थी लिखले कोनो पार्टिकुलर लोग पर लिखले बानी तो जीवन संस्मरण लिखले बानी व्यक्तित्व कृतित्व लिखले बानी तो भोजपुरी के बरहन साहित्यकार लोग शामिल बा जी देवेंद्र भाई हम जुड़ल बानी अब चाचा जी हम बताओ शुरुआत में ना बतौनी है बीच बीच में देवेंद्र भाई सुत जात रहले है तब यही से उनकर वीडियो हाइड रहते है अब ना ना ये सुतल ना रहने हम ही कह देनी है ना ना वो लोग को तनन कब वो ढिबलिस मारा तरन वो पता चला था समकालीन साहित्य पे पंडित गणेश चौबे जी मतलब जो समकालीन को लेखक वगैरह वहां के नहीं लिखले आ वहां के जो काम बा पूरा एकदम लोक पे बा एकदम फोक पे बा पूरा भारत के स्कोप बा ओकरा के भी वो बहुत समग्र तरीका से देखे कोशिश के लिए बने हमके नहीं लगत कि वो एक गजब के सुधार्थी वाला दृष्टि अगर वहां के फिल्टर के लिए बने चौपटिया साहित्य के ओकरा पीछे वहां के पीछे कुछ तर्क रहल हुई ऐसे चौपटिया साहित्य के जो सस्ता प्रकाशक या नारायण बुक सेलर और दूसरे प्रेस के लोग बिल्कुल जेकरा धनंजय भाई चौपटिया साहित्य कहने जो चौड़पाई पे लिखा रख के बेचाला तो ओकरा के फिल्टर करे के पीछे वहां के कुछ तर्क रहल हुई जोन लागत है कि हमको लागत है कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज करे के कोशिश कर ले बानी संजीव जी आ संजीव जी से स्पष्टीकरण लेवे के चाहिए क्या के कौन आधार पे हुआ की बात कहले यही तो उठावे के संतोष भाई हम ई बात यही से उठौनी हटे बहुत पहले से हमरा दिमाग में चलत हटे कि संजीव जी से कभी भी अगर केहू के परिचय हो मुलाकात हो संपर्क हुआ भी हम हो जाला हम ही के साथ कई बार मन साझा कइले बने जी कोशिश करम कि पूछम कि रहु आ वो रेफरेंस कहां से लेले बने कहां से लेले जरूर पूछम उ त हमरा दिमाग में आ गेलो बा पूछ लेनु त अच्छा चल जाम हंस के ऑफिस में कौन दिल्ली दूर बा चल जाम जाके पूछम कि भैया तनी हमरा ई बता दी कहां बा हम चौबे जी पर काम करत है तनी हम समझ नहीं कने के बाब का बिल्कुल भैया ओकरे के पूरे लगभग फिक्शन वर्क के तौर पे देखे के एक्चुअली देखिए ओमे कहबा कि चौबे जी माने लोक के साथ साथ एक लोक में एकेडमिक जो अप्रोच हो खेला वो तरीका से सोचत रहनी है ठीक है ना तो वहाँ के रोवा देखी कि जो संसर्ग बटे वो रोवा देखे हम तो एकेडमिक एरेना के लोग से बा जे बड़े बड़े लिंग्विस्ट बा ओकरा से बा जे ऐसा नहीं हम कहत कि पॉलिटिकल नहीं खे चाहे संस्थागत नहीं खे लेकिन वहाँ के कहिए ना भोजपुरी के वहाँ के एक एकेडमिक रूप से बहुत पैरेलल माने एस्टेब्लिश करे के चाहत रहनी अंग्रेजी हिंदी या और भी साहित्य बाओ का पैरलर जाए बिल्कुल समझ गए नहीं ना तो वो हमारा वो दृष्टिकोण से हमरा लगा था कि राजेश्वरी सैंडली जी के साथ अक्षय वर दीक्षित जी के साथ किस सब लोग के साथ बेहतर बार बार हैंग हो जाता वीडियो हाँ वो से हमारा बुझा था कि वहाँ के सवाल बाकी 47 में जॉन पहला अधिवेशन होता उकरा पीछे भूमिका चौबे जी के रहल बा परमेश्वरी लाल गुप्ता आज के संपादक के लिखल चीज एक किताब में कुलदीप नारायण राय झड़प के पढ़े के हुई नर्मदेश्वर चतुर्वेदी की पढ़े संतोष भाई या चाचा जी हम ये बात के जरूर कहल चाहे पिरुआ सब अगर ध्यान दे लो तब हमारी पहला सवाल अच्छा है मतलब सवाल के जो हमने के सिलसिला चला हटे ओकरा में सवाल हम लगातार पूछनी हटे आ चूंकि आज के बतकही के ये है रलटे कि ये वीडियो 1000 2000 5000 जितने लोग भी देखे सुने ओकरा ये मालूम पड़े कि पंडित गणेश चौबे जी का रहनी हटे आ सवाल यही से बार बार आ रहा बटे एगो और चीज जो की लगातार यहाँ के पीराज भैया पूछनी है भिखारी ठाकुर को
दू तरह के लोग बाटे जे भोजपुरी में काम केले बा। एगो तो व्यक्त विशेष काम करे वाला लोग जे की के का लिखले बाटे ओकरा पर काम करे वाला लोग बाटे, आ एगो भोजपुरी भाषा में का बाटे ओकरा पर लिखे वाला लोग बा। गणेश चौबे जी जोन बानी वहां के भोजपुरी भाषा में का बा, भोजपुरी भाषा का ह, आ लोक संस्कृति से जुड़ल वहां के काम रहल बाटे। जबकि अब जैसे महेश्वराचार्य के बात कर जाओ, महेश्वराचार्य जो बिहारी ठाकुर पर 1934 से काम करता रहे, तो महेश्वराचार्य के जो काम रहल बटे, चूंकि संपादक रहले सरस्वती के साथ संपादक रहले, चाहे बहुत सारा मतलब कल्याण में लगातार लिखत रहस, कल्याण में महेश्वराचार्य लगातार लिखत रहस। आप भोजपुरी में भिखारी ठाकुर, मतलब भिखारी ठाकुर को पहला किताब तो महेश्वराचार्य के ही हो, काम वैसा इंडिविजुअलिटी में रहे, लेकिन गणेश चौबे जी के काम इंडिविजुअलिटी में ना होके समग्र रूप से रहे। बाद में वहाँ का कुछ आलोचना वगैरह कैले बनी, समीक्षा कैले बनी कोई कोई के किताब के, जैसे श्रद्धानंद अवधूत के व्याकरण के, जी 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 हाँ, वो तरह से कैले बनी, तो वहाँ का ओकर दृष्टि अलग रहल बा। कोई किताब आ गई चाहे अथी के मणिराज प्रसाद मधुकर के जौन हरिश्चंद्र पर किताब बा, पारसनाथ भरमर का संतोष जी, हाँ जे सच्चाई के पहरुआ, सच्चाई के पहरुआ के भूमिका वहाँ का लिखा था नहीं, तो कहाँ वहाँ का कौन, तो वो एगो अपन दृष्टि बा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो अपन एगो ढंग अपन बा। हमने संग चर्चा में संजय भाई भी जुड़ गए बनी पंजवार सिवान से, जी जी तब लागत हाँ, तो मैंने था राजेंद्र जयंती तो उतनी के चीज आता, तो उनका तो बोले कि चाहिए कुछ, संजय भाई कुछ बोले कि चाहिए, संजय देर से चर्चा होता टाइप रहुआ, बताइए कि का हमने के बतियाओ काम लायक बाकी ना, बहुत जबरदस्त बात है ना, ना उनका कुछ जिज्ञासा हो के तो पूछो। हाँ आवाज मराओ तो, आवाज आवता चेहरा गायब बा, चेहरा पर कुछ छप गई बा, वर्चुअल बैकग्राउंड हटा दे भैया, पहले से सेट रहल है, एकरा का हटाओ तनी, हां ओकरा हटा दे, हां एकरा का हटाओ तनी, पुलवा वाला लगा दी, पुलवा वाला बढ़िया रहू है, अभी पहले ही से सेट रहल हटे, बहुत जबरदस्त बात कही होता, असल में पूरा बात हम सुननी है, रास्ता में ऑडियो मोड में सुनोतरनी है जी, फेसबुक चला के कि लाइट रहल है ना गाड़ी में, तो इसे लाइव हम ज्वाइन ना कर नहीं है, जो अभी घर नहीं है थोड़े पहले, कमाल के बात कही आज, मतलब जो पंडित गणेश चौबे जी पर बात निकल के सामने आई बटे रुआ सबके बात कही में, हमारा लागत है कि अपना आप में ये 1.5-2 घंटा के वीडियो एगो बहुत अच्छा डिजिटल एगो कलेक्शन, वहाँ के बारे में जानकारी करे खातिर, हालांकि ये जो आदमी बाटे खास करके प्रदूषण चाचा जी वहाँ के, तो काफी मैंने गजब के वहाँ का धन बटे वहाँ के बारे में, पूरा एगो इंस्टीट्यूशन बनी अपना वहाँ के गणेश चौबे जी के बारे में बतावे खातिर, केहू के अगर कुछ जानकारी चाहिए तो शायद एगो विश्वसनीय सोर्स आ एगो क्रेडिबल सोर्स केहू बाटे, तो हमने के बीच प्रभुष्ण चाचा जी बनी के बारे में जानकारी करे खातिर, दो चार बार वहां से मुलाकात भइल बा हमने के सब प्रसंग मने कोनो विषय पर प्रसंग छेड़े बनी जब वहां के, तब बहुत सारा जानकारी भइल बटे, लेकिन आज जौन बात कही भइल से बहुत सारा चीज नया आइल बटे, आ एगो ई बात आई कि आवे वाला जो पीढ़ी बिया ओकरा बहुत काम करे के बटे भोजपुरी थाती पर, पंडित गणेश चौबे जी पर बिल्कुल वहां के बारे में काम कइल बहुत जरूरी बा, एगो दू गो शोधार्थी लोग ठीक बटे सामने आइल बा, लेकिन आवे वाला समय में बहुत सारा लोग के आगे आवे के पड़ी, वहाँ के काम के सामने लेवे के पड़ी, बहुत जबरदस्त बात कही भैया आज के अपना आप में अपन सार्थकता सिद्ध कैलस ए बात कही से, जी संजय भाई सही बात कहनी, काफी बहुत कुछ जानकारी हमने के मिलल आ बाकी लोगन के भी मिलल बा, बहुत सारा चीज आई। चाचा जी देखिए अब हमने के लगभग बहुत अद्भुत चीज के हम जानकारी नवीन जी देवे के चाहते हैं, जरूर जरूर अभी याद पड़ गई बा हमरा, हाँ अभी हम शेयर करे के चाहते हैं जरूर, कि चौबे जी के भोजपुरी अकादमी के पत्रिका में एगो लेख छपल बा, हीरामन सुग्गा आ जायसी के पद्मावत, तो हीरामन सुगा जायसी के पद्मावत में खाली जायसी के जोन पद्मावत में जोन हीरामन सुगा के चर्चा बा,
भोजपुरी में जौन लोक कथा में ही रामन सुगा के चर्चा बा ओकरा साथे उहां का अवधि के में जौन लोक साहित्य में ही रामन सुगा के चर्चा बा अब बंगला साहित्य में जौन लोक साहित्य ही रामन सुगा के चर्चा बा वो चारों कथा में कहां कहां का खूबी बा वहां का इतना बढ़िया ढंग से पद्मावत से लेकर के बंगला के लोक कथा से लेके अवधि के लोक कथा से लेकर के सबके ऊपर भोजपुरी के लोक कथा के वहां का साबित के लिए बने बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लायक बा अगर रउआ कहब तो हम ओकरा के निकाल के रउआ के हम लेख भेज देव हम फोटो करके पढ़ी देखी कि चौबे जी के का तरीका बा लिखे के कैसे भोजपुरी के कहीं वहां का पद्मावत के शिकायत नहीं की करत कहीं जायसी के शिकायत नहीं की करत कहीं बंगला के लेकिन भोजपुरी के कैसे ऊपर कर जा सकता का विशेषता बा ओकरा के वहां जरूर कहतनी ये बहुत बड़का एगो खूबी बा बिल्कुल सही ठीक है बा एगो श्रवण कुमार के पर वहां के बा ये सब लेख सब बा जौन श्रवण कुमार के गीत गावत रहल बा लोग जी सब बा लेख बा बिल्कुल हमार मैंने ये कहे कही बा कि अभी वर्तमान समय में साधारण रूप में यदि देखल जाओ तो गणेश चौबे जी के किताब उपलब्ध नहीं की सर मतलब आसानी से मिलत नहीं की सर तो मैंने का चाचा जी रोवा से भी सवाल बटे संतोष भाई रोवा से भी सवाल बा कि आखिर मतलब जे भी दर्शक बारे जे भी श्रोता बारे आज कार्यक्रम के देख रहे चाहे हमने के लाइव वीडियो के बाद वीडियो के देखी है तो गणेश चौबे जी पर जाने खातिर गणेश चौबे जी के बारे में जाने खातिर आखिर कहां से कौन किताब लेवे के चाहिए और रउआ सबके लगे कुछ बाटे तो ओकरा के शेयर करी जो हमने के आखिर के माध्यम से ओकरा के बाकी लोगों के बीच भी शेयर करी जा एक पर हम संतोष भाई रउआ से पहले तो चाचा जी से ले संतोष भाई हाँ बहुत धन्यवाद नवीन भाई एक्चुअली हमरा लगे जितना पढ़ल बा मटेरियल गणेश चौबे जी पर बहुत ज्यादा नहीं है दो चार गो एक एगो तो किताब वही सही साल बाटे भोजपुरी साहित्य के और एगो वहाँ के इम्पोर्टेंट आलेख बाटे जो हम एमए में पढ़ले रहनी है ठीक बा साथ में वहाँ के ऊपर लोग काम कैले बा कुछ पत्र पत्रिका के तो हम कहें तो पीडीएफ बना के भेज दे वो एगो नौ चंपारण चंद्रिका बा उ हम भेज देम रउआ के आ कुछ एगो काम डॉक्टर बिजयनी कैले बड़ी उ पीएचडी कैले बड़ी उ हिंदी में कैले बड़ी गणेश चौबे जी पर वो जाने बिहार विश्वविद्यालय में एगो सतीश कुमार राय जी बानी बहुआ के एचओडी है बहुत विद्वान है वहाँ के बजभूषण सजाना तन तो वहाँ के सब अनिमा अनुरागनी के किताब बाई कैली है ने करी एमे नया कुछ नहीं में हरिश्चंद्र साहित्य अलंकार वाला चाहे लोक साहित्य संगम बिहार वाला बा उहे चीज सब बा एमे जी तो खैर एनीवे किताब हमरा भोजपुरी मंथन के भी वो विशेषांक वो पत्रिका के अलावा गणेश के भोजपुरी मंथन के विशेषांक नहीं के एगो लेख उनका पर हम लिखले रही बस हो गई भोजपुरी लोग के बा हई है गणेश चौबे व्यक्तित्व और कृतित्व लोक साहित्य संगम बिहिया के एक फोटो स्टेट करा के हम रखले बनी ओरिजिनल किताब के हु विद्यार्थी हमरा यहाँ से गायब कर दिलोस तब ओकरा बाद हम कहीं से उपरौले बनी हम भोजपुरी प्रसंग के आतंक के सौ बरिस रौले लगे देख ले ई ई ई भोजपुरी लोक के चौबे गणेश चौबे विशेषांक बिल्कुल अच्छा ओकरा बाद का कहल जाले कि बिहारी भाषा साहित्य की विभूतियां एक किताब छपल बा जौना में पंडित गणेश चौबे नर्मदेश्वर सहाय रामवचन द्विवेदी अरविंद के बारे में तीन गो भोजपुरिया लोग के बारे में वो बा चौबे जी के लेख पढ़ेला हम एगो बात कहतनी कि रउआ लोग जौन ई आज के जौन ई इलेक्ट्रॉनिक युग बा या जौन डिजिटल युग बा इमे रउआ लोग ज्यादा दूर बा काम करे के कौन चीज कहाँ से पता कर सकतनी वहाँ के कुछ लेख आज में छपल बा आजकल में वो कैसे मिल सकता आज में छपल बा जौन बनारस से निकले वाला उमे से कैसे मिल सकता चाहे पुराना अखबार सब विशाल भारत में दी ह्यूमन इवेंट्स में दी मैन में
प्राच विद्या वाला तो एकाध गो लेख हमारा पास बा, लेकिन प्राच विद्या में उन्हा का लगातार छपत बनी लखनऊ के पत्रिका में। तो अब ये सब थोड़ा सा हमने के खोज करे के परी, पाटन वाला, साहित्य वाला, नवशक्ति वाला, हाँ नवशक्ति लेख सब कहीं से हमने का अगर जुगाड़ करी तो ही हो जाए, क्योंकि अब तो केहू उनका यहाँ भेटत नहीं थे, उनका पतो कहाँ रहता रही कहाँ रहता रही कुछ पता नहीं थी चलत। तो यही से अंग्रेजी हिंदी भोजपुरी वाला जो हम पुस्तकाकार कर दे बनी, जब छप जाए तो रुआ लोग का सोझा आ जाये। बिल्कुल किताब आ रहा बटे, शोध शोधार्थी लोग शोध कैले बटे, वो किताब यहाँ से निसंदेह हमने के उम्मीद करता नहीं जाए बात के कि आगे के समय में पंडित गणेश चौबे जी के बारे में आम भोजपुरिया लोगन के बीच में भी लोग जानी या लोग समझी। ये चीज के उद्देश्य भी हमने के कहीं ना कहीं है बाटे। पिछला साल हमने के 5 दिसंबर के कुछ ना क्लियर नहीं है जा, लेकिन ये 5 दिसंबर के तो हमनियों के एगो सीमा बा, उस हिसाब से हमने के आगे लेकिन हमने क्या अपना कैलेंडर वहां के जगह देल रहे से जानकारी के विस्तार में। चाचा जी ही लिखले रहनी वहां के बारे में, आप काफी अच्छा जानकारी भाई। अब हमरा देखे से अब ए आज के बहस के विराम दिहल जी। संजय भाई रोवा सुनले बनी लबो लबो आप पूरा का हमने के बतियनी है जा, कुछ औरू अगर रोवा शंका समाधान कुछ होके तो बताई, ब्रजभूषण चाचा जी तैयार बनी। कौनो शंका समाधान नवीन भाई, आज के जो 2 घंटा के बात कही भइल है वो अपने आप में एगो एकेडमिक रिकॉर्ड जैसन बाटे जो उनके संग्रहित करके हमनी के रखे के पड़ी जी। आगे शाली बा कि इतना सार्थक बात कही खातिर ऊपर प्लेटफॉर्म के अवसर मिलल बाटे। हमनी के आभारी बानी जा चाचा जी प्रभूषण मिश्र के, संतोष भाई के, बहुत सार्थक बात कही भइली आखिर के लगे आइल एकरा खातिर हमनी के आभारी बने जा। सबसे बड़ा बात ये बाकी भोजपुरी में जे शुरुआत करेला 3-4 गो नायकन के चर्चा करेला साहित्यिक नायकन के, लेकिन कुछ ऐसा लोग बा जे बहुत बेहतर काम पीले बा, बहुत जबरदस्त काम पीले बा, ओकरा नाम के वो बढ़न नाम के आगे या वो चर्चित नाम के आगे विशेष महत्व ना मिले। जैसन रुआ जो सवाल कहनी है 2-3 गो साहित्यकार लोग के नाम लेके कहे यहाँ के नाम पीछे रह जाला जी। तो चर्चा के बाद ही बात कही के बाद जे भी सुनता या आवेला समय में जे भी सुनी ओकरा मन में ही जुगुप्सा जरूर आई कि हमरा पंडित गणेश चौबे के बारे में जाने के चाही और जौन उपलब्ध साहित्य के बारे में बा ओकरा के पढ़े के चाही, साथ ही साथ और जौन अभी तक सामने ना पाई ओकरा के खोजे के चाही जी। तो आप ये बात कही के इससे विशेष महत्व हो जाता, गजब रहल, जबरदस्त रहल। चलिए तब फिर हमनी का चर्चा के चाचा जी विराम दिहल जाओ, लगभग 2 घंटा हमनी के बात कही हो गई। संतोष भाई राव माइक फिर से म्यूट बटे, नमस्कार करब तो हमरा सुनाई ना दी। हाँ अब सुनाई दी। अरे नाम कहनी हो कहनी हमनी के र जस गति तोरा तस गति मोरा, दवैया के टाइम हो गेल भाई बाबू। सुंदर कमरी बहुत मीठ है जा हमनी के। चलिए चाचा जी, इतना नया लुक, इतना दवाई खाई तो बूढ़ लुक का हाल हुई। हमनी के हमनी के और दवाई लागी, चिंता नहीं क्या। नवीन जी कहे के चाहते हमारे पास जे मटेरियल बा जे काम हो सकता, लेकिन अकेला अब हम सकत नहीं की, हमारा तो साहित्यिक रुचि वाला कोई हेल्प करे वाला रहित न, तो बहुत कुछ काम हमारा यहाँ से निकाल ले, लेकिन वो तो नहीं थे जो लेके जाता से भाग जाता, उसके बाद दर्शन नहीं थे, दिक्कत यहाँ हो जाता। भागे वाला लोग ना पहुंची है, अब लोग सटे वाला लोग पहुंची है। हाँ, आए काम करे समझे समझ के काम कर लेवे, हमारा यहाँ सामग्री दे दी तैयार कर लेवे, तो काम एगो हो सकता, काम बहुत सारा काम जितना बा उतने बहुत निकल जाए तो बहुत। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ए पर ध्यान दिहल जाय। सब केहू के धन्यवाद बा, प्रणाम करतनी सब केहू के, जितना भी लोग आखर के पेज से ए पूरा बतकही में जुड़ल लटे, खास करके जुगानी भाई, पीराज भैया, शंकर मुनि राय जी, सुनील कुमार पाठक जी, और भी बहुत लोग, हम नाव नहीं खिले, बहुत लोग जोन बाटे फेसबुक पर देख रहे कमेंट आ रहा बटे,
लोग लगातार जुड़ लटे, बहुत सार्थक और बहुत बढ़िया बात कही बैलटे। हमनी के फिर काल हाजी रोकब जा कुछ वीडियो लेके। हमनी के आखिर वर्चुअल महोत्सव 2020 चल रहा बा, कोरोना काल में ये वो नया काम कर रहा बनी जा, कतना सफल बनी जा, कतना सही बा ये तो देखे वाला सुने वाला ही बताई है, लेकिन प्रयास जारी बा। काल फिर कुछ हमनी के लेके हाजी रोकब जा, तब तक खातिर प्रणाम और जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी सबके, बहुत जी सबके प्रणाम बा। हम भी रउआ लोग अवसर हमरा के देनी कि चौबे जी के तर्पण हो सकल ए मंच से, साहित्यिक तर्पण, तो ई हमरा अवसर मिलल। उन्हें कारी एगो काम हम कर रहल बानी, हम आखर के मंच से यो कहतनी कि जौन हम भोजपुरिया में छपल हम दिवंगत साहित्यकार लोग पर लगातार काम कर रहल बानी। अभी तक 70 आदमी के बारे में हम लिख चुकल बानी, उमे से कुछ कुछ हम भोजपुरी दी सोल ऑफ मिलियंस वाला जोन एगो ग्रुप बा ओहू में डाल रहल बानी। तो रउआ लोग अपना आसपास के साहित्यकार लोग के परिचय अगर फोटो हमरा के दिवा सकी, काहे कि एक एक फोटो ला हमरा चार चार जगह पांच पांच जगह फोन करता नहीं, तब मिलता नहीं के मिलत, बहुत उरेबो सुने के मिलता, लेकिन अभी तक हम लगभग लगभग 70 आदमी में 65-66 आदमी के फोटो दे चुकल बानी। चाचा जी हमरा तो रवा एको बे नाम हां कहे जाने के फोटो तो हमरा लगे बा रवा, मांग लेते हम। अरे तो बाबू ते दे राउर बात के हम काट सकता नहीं। चली तो फोटो फोटो रवा जेकर फोटो, जेकर फोटो चाहे सबके फोटो। अब जैसे कि नवीन जी, जैसे कि स्वामीनाथ सिंह के फोटो, अब बहुत लोग जानते नहीं के बनारस वाला कि स्वामीनाथ सिंह के, राधा मोहन राधेश के फोटो केकरा पास बा, लेकिन हम दोनों आदमी के फोटो डलनी है, स्वामीनाथ सिंह के भी राधा मोहन राधेश के भी, तो हम खोज रहल बनी वैसन वैसन जगदीश ओझा सुंदर, प्रभुनाथ मिश्र बिहार, चूर जी के सारा लोग के फोटो हम डालत हैं। चाचा जी चूर जी के फोटो दे दे। हाँ चूर जी के, चूर जी के फोटो, तो चूर जी के हमरा के थोड़ा सा उनकर डिटेल भी चाहिए और थोड़ा फोटो भी चाहिए। अब डिटेल नहीं हो तो डिटेल हम ले ले, फोटो चाहिए। अब मोतिहारी वाला जे डोम पर फोटो तो चाचा जी ही बताई, उनका पर लिख देनी, अब उनका पर लिख देनी, बलदेव प्रसाद श्रीवास्तव ढिबरी लाल के बारे में लिखा गई, फोटो भी छप गई उनकर, ढिबरी लाल जी के फोटो मिल गई बा। चर्चा खत्म भइला के बाद अब वीडियो बंद हुई तो करा बाद दोनों आदमी के बतियावे का बटे और लेख हमनी के कमनियों को पढ़े के मिले। हम हमरा लगे जे ठीक बा, ठीक बा, धन्यवाद, ठीक बा, आखर परिवार के बहुत धन्यवाद, और आखिर के तमाम सदस्य लोग के और जे भी लोग सुना था सबके हम बहुत बहुत आभारी बानी कि रउआ लोग बड़ा तन्मयता से सुननी और आपको सुनत, लेकिन हमार रउआ लोग सुनत नहीं हेला, हम रउआ लोग के विशेष रूप से आभार प्रकट करत नहीं कि रउआ लोग सुननी इतना अच्छा से, और आदरणीय ब्रजभूषण मिश्रा जी के हम चरण स्पर्श करत हैं, चाचा जी के, नवीन भाई के बहुत बहुत प्रेम, बहुत प्यार, और आखिर के तमाम परिवार के हम धन्यवाद करत नहीं कि रउआ लोग हमरा मौका देनी वर्चुअले में सही रहवा मौका देनी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ठीक बा, धन्यवाद नवीन जी, देवेंद्र जी और संजय जी।